अच्छा ये जो सीरीज आप लोग पढ़ने लगे हो, अच्छा हो सका अगर मैं यूट्यूब पे जब ये लेक्चर अपलोड करूं तो मे बी इसको मैं ज्योमेट्रिक सीरीज के बाद डाल दूं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना ये अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज के बाद पढ़ना चाहिए, तो मे बी यूट्यूब पे मैं इस तरह कर दूं। आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो इसलिए आप लोगों ने चैप्टर 4 पूरा कर लिया, उसके बाद आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो। आप लोगों को इसको समझने के लिए बस बेसिक नो हाउ होनी चाहिए कि अरिथमेटिक सीरीज क्या होती थी, ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती थी। भाई अरिथमेटिक में कॉन्सेप्ट ये होता था कि एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, इन अदर वर्ड्स कि हर टर्म में आपने कोई फिक्स नंबर ऐड किया हुआ है, तो ये जो पूरी सीरीज बनती थी अगर आप इनको ऐड कर दो तो उसको आप बोल देते हैं अरिथमेटिक सीरीज। एक होती थी ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती थी कि अगर आपने हर टर्म को मतलब रेशियो सेम रहना चाहिए, मतलब अदर लैंग्वेज अदर वर्ड्स में कि हर टर्म जो है ना उसको आपने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट टर्म आ रही है, तो इसको जब आप ऐड किया करते थे तो आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज आती थी। इनके सम के फॉर्मूले भी आपने देखे हुए थे। एक सेकंड, ये ओल्ड बुक में नहीं होता था चैप्टर, ये चैप्टर जो है न्यू बुक का, ओल्ड बुक में नहीं। ओल्ड बुक में जो चैप्टर नंबर 6 था ना, जो आप लोगों का चैप्टर 4 है वही था, ये न्यू टॉपिक है, ये पुरानी बुक में नहीं हुआ करता था। अच्छा भारत, तो दो फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े थे, ये अरिथमेटिक सीरीज के सम का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था, एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, और एक ज्योमेट्रिक सीरीज के सम का फॉर्मूला आपने पढ़ा था ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। अगर वो आर जो है वो लेस देन वन है, जो कि इस एक्सरसाइज में ज्यादातर वो लेस देन वन ही होगा, तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ये दो फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़ चुके थे अरिथमेटिक सीरीज ज्योमेट्रिक सीरीज में। अब आ जाओगे यार ये अरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक को, अरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है जिसका शॉर्ट फॉर्म है एजीपी। यार ये ऐसी सीरीज होती है जो कॉम्बिनेशन होती है, या सीक्वेंस की बात कर सकते हो आप, कि ऐसी सीक्वेंस होती है कि जो अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक को मल्टीप्लाई कर कराती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सीरीज की बात करूं, ये जो मैंने आपके सामने सीरीज देखी मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, ये डॉट जो है एक पॉइंट ही रिप्रेजेंट कर रहा, मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया वरना आप लोगों के लिए देखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको। अगर आप इस सीरीज को गौर से देखो, इसको आप सीक्वेंस भी बना सकते हो, प्लस की जगह दरमियान में कॉमा डाल दो। इसमें खास बात क्या है कि अगर आप हर टर्म को देखो ना, उसके हर टर्म के अंदर दो हिस्से हैं, एक जो हिस्सा है वो अरिथमेटिक के अंदर चल रहा है और जो दूसरा हिस्सा है वो ज्योमेट्रिक के अंदर चल रहा है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, हर टर्म में जो पहली चीज आपको नजर आ रही है वो अरिथमेटिक के अंदर है, टू फाइव एट, अगर आपको पता है एक अरिथमेटिक सीरीज है, कॉमन रेशो जो है वो सॉरी कॉमन डिफरेंस जो है वो यहाँ पे 3 के बराबर है, और अगर आप हर टर्म का दूसरा पार्ट देखो, दूसरा पार्ट क्या है 3, इसी तरह 18, इसी तरह 108, अगर आप इसको गौर से देखो तो ज्योमेट्रिक में इसमें कॉमन रेशो निकाल के देखो 6 आएगा, 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 18, 18 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 108। तो कहने का मतलब कि अगर आप इस सीरीज को देखो तो इसके हर टर्म के अंदर दो हिस्से हैं, एक हिस्सा अरिथमेटिक का है एक हिस्सा ज्योमेट्रिक है, तो ऐसी सीक्वेंस या ऐसी सीरीज जिसमें आप अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक को मल्टीप्लाई करो, मतलब एक अरिथमेटिक है एक ज्योमेट्रिक है, उनको अगर आप आपस से मल्टीप्लाई कर दो तो जो आपके पास सीरीज आएगी उसको आप क्या बोलोगे, अरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक सीरीज। जैसे इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 18 से मल्टीप्लाई किया, 8 को 108 से मल्टीप्लाई किया, तो जो अब आपके पास सीरीज आ रही है इसको आप क्या बोलोगे, एजी। अब रही बात, ये तो आपने बेसिक डेफिनेशन समझ ली ना कि अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक को मल्टीप्लाई करना है, जो सीरीज आएगी उसको आप बोलोगे एजीपी। अब सवाल ये कि यार इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, क्या फॉर्मूला आपने लेट किया हुआ है यहाँ पे, तो जरा स्टैंडर्ड फॉर्म पे आ जाओ, उसके बाद इसके सम का फॉर्मूला भी देख लेंगे। अच्छा यहाँ पे हमारा मेनली कॉन्सेप्ट है सीरीज का, सीक्वेंस में हम पढ़ नहीं रहे क्योंकि सीक्वेंस में जो जनरल टर्म का रिलेटेड सवाल आते हैं ना, सीक्वेंस के सवाल क्या आते हैं जनरल टर्म, तो जनरल टर्म इसकी बड़ी ईजी है, जनरल टर्म इसकी सिंपल क्या है अभी मैं करवाऊंगा, एक एपी के एक ज्योमेट्रिक की है, तो इसलिए सीक्वेंस के सवाल इस वाले कॉन्सेप्ट में नहीं आते, इस वाले कॉन्सेप्ट में सीरीज का सवाल ही आ रहे होते हैं। तो दैट्स व्हाई आप एक ही एक्सरसाइज देखोगे जिसमें सीरीज का कॉन्सेप्ट ही दिया हुआ है, क्योंकि वो थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आ सकता है, वरना सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट बड़ा इजी, जनरल टर्म निकालना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि आपको अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक पता है, जो इनकी जनरल टर्म है उनको मल्टीप्लाई कर देना तो इसकी आ जाएगी, तो सीक्वेंस से रिलेटेड कोई एक्सरसाइज नहीं है, सीरीज से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है, एक ही एक्सरसाइज है इसकी। अब आ जाओ कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ये मैंने डेफिनेशन तो क्लियर कर दी कि अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन जो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म रखी हुई है उसमें आपने अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक को क्या लेट किया है, जरा उस पे आ जाओ। तो कंसीडर करो आपके पास एक अरिथमेटिक है, ये अरिथमेटिक क्या है, ए ए प्लस डी, इसी तरह ए प्लस टू डी, और अब तो इसकी जो एनथ टर्म होती है वो क्या होती है, ए प्लस एन माइनस वन डी, ये हम लेट करते हैं अरिथमेटिक सीरीज के स्टैंडर्ड फॉर्म।
यहाँ पे जो हम ज्योमेट्रिक सीरीज के स्टैंडर्ड फॉर्म लेट कर रहे हैं ना, वो मुख्तलिफ है जो आप लोगों ने पहले देखी थी। पहले जब आप ज्योमेट्रिक सीरीज देखते थे तो वो होती थी ए ए आर ए आर स्क्वायर। यहां पे हम एज्यूम करेंगे ऐसी ज्योमेट्रिक सीरीज को जिसकी फर्स्ट टर्म वन है, तो फिर फॉर्मूला क्या बनेगा, फिर ज्योमेट्री का फॉर्मूला बनेगा वन आर आर स्क्वायर आर क्यूब और अगेन आपने जाना है आर की पावर एन माइनस। अगर आप इस ज्योमेट्रिक में देखो तो एक ही चीज मिसिंग है, वो ए है। नॉर्मली जब आपने ज्योमेट्रिक सीरीज की स्टैंडर्ड फॉर्म देखी थी वो ये थी, बस इसमें फर्क बस ये है कि यहाँ पे आपको ए नजर नहीं आ रहा। वो मैंने वही आप लोगों को बात बताई कि जो ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म डिफाइन की जाती है, वो डिफाइन उस वक्त की जाती है कि जब ज्योमेट्रिक की जो फर्स्ट टर्म है उसको एज्यूम किया जाता है कि वो वन के बराबर है। इस कॉन्सेप्ट को लेके इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया गया, ये एक फिक्स किया गया है, कोई रूल नहीं है। मैंने आपको बताया था जरूरी नहीं कि ज्योमेट्रिक की फर्स्ट टर्म वन ही होगी तो ये काम करेगा, नहीं, कोई भी अरिथमेटिक कोई भी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लाई करो तो अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक ही कहलाई जाएगी। अब एक चीज होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में वो उसी वक्त होगी जब उसकी ज्योमेट्रिक की फर्स्ट टर्म वन है, मतलब सिंपल पहली टर्म जो है वो वन के बराबर होगी, तब आप बोलोगे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है। जस्ट लाइक अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो नॉर्मली अगर आपने देखा हो तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर और कोएफिशिएंट वन रख ले होते हैं नॉर्मली। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और कोएफिशिएंट टू है तो क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहेगी, रहेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप ये बोल सकते हो कि स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं है, या बिल्कुल अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इस टाइप की लिखी हुई है टू एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस वन, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन आप बोलोगे यार ये जनरल फॉर्म के अंदर नहीं है, इसलिए जनरल फॉर्म के अंदर किस तरह होगी, अगर आप सब चीजों को ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, अब ये जो है ना, अब आप इसको बोलोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म है। इसी तरीके से कोई भी आपके पास एजीपी हो सकती है, लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म एजीपी की है ना वो ये है कि जो आपका ज्योमेट्रिक वाला पार्ट है ना उसकी फर्स्ट टर्म वन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आप इस तरह लिखोगे इसको, तो अब क्या बनेगा, मल्टीप्लाई कर दो आप इसको, ए को वन से मल्टीप्लाई करो ए, इस वाली को आर से मल्टीप्लाई करो तो ए प्लस डी आर, इसको मल्टीप्लाई कर दो आर स्क्वायर से, ये हो जाएगा। और ये काम आपने करते रहना अप टू nth टर्म, क्या है इसके nth टर्म है a प्लस एन माइनस वन डी, इसको मल्टीप्लाई कर देना है r की पावर n माइनस। तो ये जो बच्चों आप लोगों के सामने मैंने सीरीज लिखी हुई है ना, इसको सम को हम s रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो सीरीज है ना इसको आप कहते हो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए जी बी, ठीक है। तो अगर आपकी कोई सीरीज जो अरिथमेटिक हो ज्योमेट्रिक हो जो भी सीरीज है, अगर वो इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज कर लोगे जो अभी हम फॉर्मूला प्रूफ करने लगे हैं, ठीक है। जो इसके सम का फॉर्मूला होगा वो डायरेक्ट आप उस वक्त अप्लाई कर दोगे अगर आपकी जो एजीपी है वो अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है। कॉन्सेप्ट मैंने सिंपल सा बताया है कि पहली चीज जो है वो आपकी होगी एपी के अंदर और जो दूसरी होगी वो जीपी के अंदर होगी। बस आपने ध्यान रखना है जीपी अगर वन से स्टार्ट हो रही है दैट्स इट, वो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है। अगर वन से स्टार्ट नहीं हो रही तो उसका मतलब वो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं है, आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे जो फॉर्मूला हम डिराइव करने लगे। बाकी इंशाल्लाह क्वेश्चन आएंगे ना तो मैं मजीद आप लोगों को बातें क्लियर करता जाऊंगा। अभी अपना फोकस बस इस पे रखो कि यार ये होती क्या है, वो आपने देख लिया कि मल्टीप्लाई करना होता है आपको। अब अपना फोकस रखो कि यार इसका सम का फॉर्मूला क्या होगा, तो सम के फॉर्मूले पे आ जाते हैं। इसके सम का फॉर्मूला निकालने का बड़ा आसान तरीका है, और जैसे आपने ज्योमेट्रिक सीरीज के सम का फॉर्मूला डिराइव किया हुआ उसी अंदाज में करोगे, कैसे आपने इसको आर से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इसको आर से मल्टीप्लाई करूंगा या आर एस हो जाएगा, आर से मल्टीप्लाई करो ए आर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, सब टर्म को आपने आर से मल्टीप्लाई करना, ये हो जाएगा आर क्यूब, अप टू एंड तक हम जाते हैं। एक हम काम करते हैं कि तो ये चलो ऐसे लिख देते हैं बाद में देखते हैं, ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन डी आर की पावर एन। भाई देखो जब आप इसको आर से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वन हट जाएगा, जस्ट आर की पावर एन बच जाएगा। जैसे आर स्क्वायर को जब आपने आर से मल्टीप्लाई किया तो आर क्यूब हो गया ना, एक पावर बढ़ गई उसकी, तो जब इसको आर से मल्टीप्लाई करोगे इसकी एक पावर घटेगी तो क्या हो जाएगा आर की पावर एन हो जाएगी। तो आपने क्या किया पूरी सीरीज को मल्टीप्लाई कर दिया आर से, अब आप क्या करो सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, सब्ट्रैक्ट कर देते तो क्या हो जाएगा एस माइनस आर एस। अच्छा ए जो है वो अपनी जगह पे लिख दो, पीछे क्या बचा माइनस ए आर। अच्छा नहीं एक सेकेंड, जो लाइक टर्म्स है ना उनको आप करते हो, फॉर एग्जाम्पल इसमें r इसमें r आ रहा है ना तो इनको आप इसमें सब्ट्रैक्ट करो, इसमें r स्क्वायर इसमें r स्क्वायर आ रहा है इसमें सब्ट्रैक्ट करो, तो काफी सब्ट्रैक्शन आपके आसान हो जाएगी। तो फिलहाल a को ऐसे रहने दो क्योंकि उसको आप अगर किसी और से करोगे वरना a माइनस ए आर वो अजीब चीज हो जाएगी, मतलब मजा नहीं आ रहा होगा। तो बेशक हम कोशिश ये करेंगे कि r और r इसी तरह r स्क्वायर इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो a को एज इज मैंने लिख दिया।
अब आर की टर्म ये है और आर की टर्म ये है, इनको आपस में आपने सब्ट्रैक्ट करना है। अगर आप ऑब्जर्व करो, इसको मल्टीप्लाई करो, ए आर हो जाएगा डी आर। जब सब्ट्रैक्ट करोगे ए आर से तो ये कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट में क्या बचेगा डी आर बचेगा। सेम यही कॉन्सेप्ट है, ये जो आर स्क्वायर है और जो आर स्क्वायर है इनको आपस में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ए प्लस टू डी अगर मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर प्लस टू डी आर स्क्वायर, जबकि यहां पे आप मल्टीप्लाई करो और माइनस भी करना है आपने तो माइनस ए आर स्क्वायर माइनस डी आर स्क्वायर, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, टू डी आर स्क्वायर माइनस डी आर स्क्वायर अगेन डी आर स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह जो ऊपर आर क्यूब वाली टर्म होगी ना उसको आप नीचे देखो, सब्ट्रैक्ट करने में आपकी मर्जी होती है ना कि आप किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो। अगर आप ऑब्जर्व करो ये पूरी आपके पास सीरीज लिखी हुई है, इसकी हर टर्म को मल्टीप्लाई करो सब्ट्रैक्ट करो इससे, ये तो लंबा वाला तरीका है। आसान तरीका क्या है कि आपकी पसंद से आप आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, जैसे मुझे नजर आ रहा है कि मैं इसको और इसको जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे लिए सब्ट्रैक्शन काफी आसान होगी, तो मैंने एज्यूम ये किया। एज्यूम आप इस तरह कर लो कि यार इस एआर से पहले जीरो है तो मैंने ए माइनस जीरो किया तो सिंपल ए के बराबर आ गया, फिर मैंने आर को इससे माइनस किया, तो इस तरह समझोगे तो आपकी लाइफ काफी आसान हो जाएगी कि यार अब सब्ट्रैक्शन आपको देखने में काफी आसान लग रही होगी पूरी। तो ये जीरो वाला कॉन्सेप्ट करके भी आप समझ सकते हो कि ए माइनस जीरो सिंपल ए के बराबर होगा। अच्छा जी, उसके बाद मैं बता रहा था कि जब यहाँ पे आर क्यूब वाली टर्म होगी उसको जब आप इससे सब्ट्रैक्ट करवाओगे ना तो फिर आप ऑब्जर्व करोगे आंसर आ रहा होगा डी आर क्यूब। ये पैटर्न पूरा चल रहा है डी आर फिर डी आर स्क्वायर, तो अगर आप आर क्यूब को सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखना डी आर स्क्वायर आ रहा, डी आर क्यूब आ रहा होगा। इसी तरह जो आर फोर वाली टर्म्स होगी उनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो डी आर फोर आ रहा होगा। तो ये चीज चलती जाएगी, सवाल है कि कहां तक जाएगी है। असल चीज तो ये है ना कि हम अब एलएफ टर्म की बात कर रहे हैं तो ये जाएगी कहां तक, वो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर कि इसमें r की पावर n माइनस वन है, इधर भी आप r की पावर n माइनस वन वाले टर्म ढूंढो। कैसे ढूंढोगे, आपको पीछे आने का हुनर आना चाहिए। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस टर्म पे खड़े हुए हो, जब आप इससे पहले वाली टर्म में आओगे ना तो दो चीजें आपको कम होती हुई नजर आएंगी, एक तो r की पावर, दूसरा d का कोएफिशिएंट। देखो r की पावर अब टू हो गई है और d का कोएफिशिएंट वन हो चुका है। इसी तरह जब इससे पीछे आओगे अगेन आप ये ऑब्जर्व करोगे कि r की पावर कम होगी, d का कोएफिशिएंट पहले वन था अब d का कोएफिशिएंट जीरो हो गया, जो कि आपको d की टर्म में नजर नहीं आ रही। इसी तरह जब आप इस टर्म से पहले आओगे ना तो इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, पहली बात ये डी के साथ एन माइनस वन लिखा हुआ है ना तो एन माइनस वन से पहले आओगे तो क्या हो जाएगा एन माइनस टू, ठीक है, और आर की पावर एन जब पहले आएगी तो जाएगा आर की पावर एन माइनस। तो नीचे वाली सीरीज में आर की पावर एन माइनस वन वाली टर्म ये है और ऊपर वाली में आर की पावर एन माइनस वन वाली ये टर्म है। आपने क्या करना है, आपने दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, बड़ा इजी है सब्ट्रैक्ट करना। आप मल्टीप्लाई कर दो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। अंदर आ रहा देखो क्या लिखा हुआ है, ए प्लस एन डी माइनस डी, अंदर ये लिखा हुआ है ना, सबके साथ क्या है आर की पावर एन माइनस वन, और इस टर्म में क्या है, इसमें लिखा हुआ है ए प्लस एन डी माइनस टू डी आर की पावर एन माइनस वन। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है आपने दोनों टर्म को, तो देखने में लग रहा है ए और ए तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इसी तरह एन डी और एन डी ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे आपस में। इसी तरह ये है माइनस डी और माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा टू डी, तो माइनस डी प्लस टू डी ये सिंपल किसके बराबर होगा, डी के बराबर होगा, ठीक है, और भार क्या मौजूद है आर की पावर एन माइनस वन, ये बताना चाह रहा था मैं आपने। तो जब हम इनकी एन माइनस वन वाली टर्म को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा डी आर एन माइनस। जब आखिरी टर्म आपने इसकी सब्ट्रैक्ट करवा दी तो इसमें तो अब कोई टर्म नहीं बची ना, इसकी तो सारी टर्म सब्ट्रैक्ट हो गई है, जबकि इस सीरीज में ये वाली टर्म बच गई है, ये किसी से अभी तक सब्ट्रैक्ट नहीं हुई। अगर आप ऑब्जर्व करो ये फारिग है, ये अभी किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं है, ये एज इज अपने जगह पे मौजूद है। जैसे ए था, ए को आपने एज्यूम किया था ना कि वो जीरो से सब्ट्रैक्ट हुआ है तो वो ए के बराबर ही रहेगा। इसी तरह एज्यूम करो कि ऊपर जीरो है, ये एज्यूम करो आप, ठीक है, तो जीरो माइनस इससे करोगे तो एज इज यही टर्म आ जाएगी माइनस साइन, क्योंकि किसी के साथ सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। अच्छा मैं डेरिवेशन करवा क्यों रहा, नॉर्मली मैं डेरिवेशन करवाता नहीं हूं, ये जो काम है ना ये आपने हर सवाल में करना है। इन 5.2 के सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप ये वाला काम हर सवाल में मैनुअली करो, जो मैं यहां पे कर रहा हूं ना हर सवाल में, मेजॉरिटी अगर आप गाइड टीचर्स देखो तो वैसे ही करवाते हैं कि वो इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, सेम सब्ट्रैक्ट करवाते हैं, यहां पे जीपी बन रही होती है इसको सॉल्व करवाते हैं, यही काम उस क्वेश्चन में कर रहे होते हैं, जबकि मैं इसका दूसरा सॉल्यूशन करवाता हूं। दूसरा सॉल्यूशन क्या है कि जो हम यहां पे मेहनत करके फॉर्मूला बना रहे ना, हम डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज कर लेंगे, तो ये काम दोबारा करने के बजाय डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो। तो दैट्स व्हाई ये वर्किंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन द सेंस कि आपको पता होना चाहिए कि दूसरे मेथड में आप इसी तरह कर रहे होते हैं, ये सब फारी कर रहे होते हैं, जबकि मैं जो आप लोग करवाऊंगा डायरेक्ट कितने सवालों में डायरेक्ट फॉर्मुला अप्लाई कर देंगे। हर सवाल में फॉर्मुला अप्लाई नहीं हो पाएगा, उसमें आपको ये करना पड़ेगा, उन्हीं सवालों में फॉर्मुला अप्लाई हो पाएगा जब इस फॉर्म में होगी, मतलब जिस जीपी की कॉमन रेशो 1
क्या कहते हैं फर्स्ट टर्म वन के बराबर होगी। तो कहने का मतलब ये कि अब इस प्रोसेस को देख लो, काम आने वाला है, ये कोई फालतू चीज नहीं है, कोई डेरिवेशन ऐसी नहीं है जो आपके काम नहीं आएगी। डेरिवेशन भी समझो इसका और जो फॉर्मूला आएगा उसको भी आपने समझना है। तो यहां तक तो उम्मीद है आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। अब इसके आगे मजीद सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे अगर आप देखो तो कॉमन ले सकते हो आप यहाँ पे एस, जब एस कॉमन लोगे तो ये सिचुएशन आ जाएगी। तो ये तो समझना तो मुश्किल नहीं है। देखो ए को और इस वाली टर्म को साइड पर रखो, ये अलग दो टर्म है, दरमियान की जो सारी टर्म है ना ये आपको नजर आ रहा है जीपी बना रही है। आसानी के लिए डी कॉमन ले लो यहां से, तो ये क्या, बल्कि डी आर ही कॉमन ले लो और अच्छी बात हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा वन, जब इससे डी आर कॉमन लोगे यहाँ पे आर बचेगा, इससे कॉमन लोगे ये आर स्क्वायर बचेगा, जब इससे डी आर कॉमन लोगे तो ये आर की पावर एन माइनस टू बच जाएगा। अभी बेसिक मैथ तो आनी चाहिए ना, जब आप आर कॉमन लोगे आर की एक पावर हो जाती है, तो यहाँ पे क्यूब था ना कॉमन लिया तो आर स्क्वायर हो गया। इसी तरह यहाँ पे आर की पावर एन माइनस वन है, जब आप आर कॉमन लोगे तो इसकी पावर एन माइनस टू हो जाएगी, ये सिचुएशन बन जाएगी। और पहली और आखिरी टर्म जो है उसको एज इज कॉपी कर दो, फिलहाल उसका अभी तक कोई काम नहीं। अच्छा जी, अब रही बात कि ये जो आपके पास ज्योमेट्रिक आ रही है इसको आपने ऐड कैसे करना है। सिंपल एक ज्योमेट्रिक है, ज्योमेट्रिक को ऐड करने का फॉर्मूला है, इसी को अप्लाई करते हैं। फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है वन है, कॉमन रेशियो यहाँ पे आ रही है। अच्छा सवाल है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म जो है वो एन हुआ करती थी, जबकि यहाँ पे आप देखो नंबर ऑफ टर्म जो है ना वो एन नहीं है, नंबर ऑफ टर्म एन माइनस वन है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद हो ये वाला फॉर्मूला, इसको आप बोलते हैं जीपी की स्टैंडर्ड फॉर्म। इस जीपी के अंदर एन टर्म्स हुआ करती थी, अगर आपको याद हो इसके अंदर एन टर्म्स होती थी। जब एन टर्म्स होती थी तो आर की पावर क्या होती थी आखिरी एन माइनस वन, एक कम होती थी। जब इसके अंदर एन टर्म्स होती थी तो आर की पावर क्या हुआ करती थी, एक कम हुआ करती थी। तो अगर यहाँ पे आर की पावर एन माइनस टू है तो इसके अंदर कितनी टर्म्स होंगी, इसके अंदर एन माइनस वन टर्म होगी। अगर इसके अंदर एन माइनस वन टर्म होंगी तो आर की पावर एक कम होगी ना एन माइनस टू। तो एग्जैक्ट वही कॉन्सेप्ट आपने लगाना है यहाँ पे, जैसे आप एन लिखा करते थे क्योंकि इसमें एन टर्म्स होती थी, क्योंकि स्टार्ट जो है ना वो जीरो से होता था, ये जीरो है फिर वन पावर है फिर टू है। अगर तो वन से स्टार्ट होता तो आप बोलते इसके अंदर एन माइनस वन टर्म है, लेकिन स्टार्ट जीरो से होता था, दैट्स व्हाई आप बोलते थे इसके अंदर एन टर्म्स है। लेकिन यहाँ पे अगर एन माइनस टू है इसका मतलब इसके अंदर एन माइनस वन टर्म्स होगी। तो मैं यहाँ पे पावर में क्या लिख रहा हूँ, एन माइनस वन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर। तो अगर इसको सॉल्व करो इस वन को तो हटा दो, ऊपर ही बचेगा वन माइनस आर की पावर एन और नीचे बचेगा वन माइनस आर। तो इसको लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे ए जो है तो अपनी जगह पे है, फिर आपने लिखना है डी आर। डी आर लिखने के बाद ये जो पूरी सीरीज है इसको आपने ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद ये चीज आ गई वन माइनस आर की पावर एन माइनस वन अपॉन वन माइनस आर, ठीक है। और एंड पे क्या है, एंड पे इसको लिख लेते हैं ए प्लस एन माइनस वन डी आर की पावर एन माइनस वन आर की पावर एन। अब आखिरी आखिरी आपको असल में निकालना है एस, आपको वास्ता है एस से, तो वन माइनस आर को आप डिवाइड करवा दोगे आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। तो वन माइनस आर को ए से डिवाइड करो तो ये सिचुएशन हो जाएगी। अच्छा यहाँ पे क्या मौजूद है ऊपर, डी आर मल्टीप्लाई वन माइनस आर की पावर एन माइनस वन, नीचे ऑलरेडी वन माइनस आर मौजूद था, जब ये आगे मल्टीप्लाई होगा तो ये वन माइनस आर का स्क्वायर हो जाएगा। और सेम इससे भी आप मल्टीप्लाई करवा दो ए प्लस एन माइनस वन डी आर की पावर एन अपॉन वन माइनस वन। तो बच्चों ये जो आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, ये फॉर्मूला आपको सम निकाल के देगा किसका, ए जी पी का। अभी कैसे इसको इस्तेमाल करना है इंशाल्लाह जब हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी तब मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह इसको यूज करना है। इस फॉर्मूले को ना मजीद थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया जाता है, अगर आप चाहो तो सिंप्लीफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट भी देख सकते हो यहाँ पे। वो सिंप्लीफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट क्या है कि वो एलसीएम ब्रेक कर देते हैं। ये जो डी आर है ना इसको इस तरह लिख सकते हैं कि अगर आप डी आर को मल्टीप्लाई करो ना दोनों टर्म से तो ये न्यूमरेटर ये बनेगा। डी आर को पहले टर्म से मल्टीप्लाई करो मतलब वन से करो तो डी आर ही आएगा, और डी आर को दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई करोगे ना तो डी आर की पावर एन हो जाएगा। यहाँ पे आर को जब मल्टीप्लाई करोगे आर की पावर एन माइनस वन से तो सिंपल आर की पावर एन बच जाएगी। तो न्यूमरेटर में दो टर्म बचेगी, उसके बाद जब आप एलसीएम ब्रेक करोगे ना तो ये सिचुएशन हो जाएगी डी आर अपॉन वन माइनस आर होल स्क्वायर, इसी तरह डी आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर स्क्वायर, और आखिरी टर्म जो है उसको एड्रेस लिख दो। तो इसकी चार टर्म में भी जनरल फॉर्म बताई जाती है जो बुक में आप लोगों के लिखी हुई। तो ये बच्चों फॉर्मूला है इस सीरीज को सम करने। अच्छा ये फॉर्मूला भी काफी हेल्प करेगा। अब आपके पास दो चॉइस होगी, अब आपके पास जब क्वेश्चन आएंगे तो आपके पास चॉइस ये है कि अगर तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो,
फॉर्मुले में ये होगा कि आप डायरेक्ट बस वैल्यूज पुट करोगे, सॉल्व कर लोगे। अगर आप फॉर्मुला यूज नहीं करोगे तो आपको ये काम करना पड़ेगा हर सवाल के अंदर। आप इसी तरह कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे, इसी तरह सब्ट्रैक्ट करोगे, इसी तरह जीपी बनाओगे, इसी तरह उसको ऐड करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, एंड पे अगर डायरेक्ट फॉर्मुला यूज करोगे तो वही आंसर आ रहा होगा। तो दैट्स व्हाई मैंने ये वाली टेक्निक भी करवाई है, क्योंकि हर सवाल में कितने सवालों में अप्लाई करोगे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, और फॉर्मुला भी करवाया कि फॉर्मुला यूज करो तो कैलकुलेशन काफी आसान हो जाएगी। जिन सवालों में फॉर्मुला अप्लाई होगा हम कोशिश करेंगे फॉर्मुला अप्लाई कर दें, दिखने में मुश्किल लग रहा है इतना है नहीं मुश्किल है, बहुत बच्चों वाला बताऊंगा किस तरह याद करना है इसको, बहुत इजी फॉर्मुला है। अच्छा, इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट है इनफिनिट का भी, कि ये जो आपने सम अभी मालूम किया है ना, ये तो एन टर्म्स का मालूम किया है ना, अगर एन टर्म्स होंगी तो किस तरह सम आपने मालूम करना है। एक और कॉन्सेप्ट होता है अगर इनफाइनाइट टर्म्स है, तो ये वही कॉन्सेप्ट है जो मैट्रिक के अंदर आपने पढ़ा था, कि अगर इनफाइनाइट टर्म्स है तो आपने क्या बोला था, आर जो है वो लेस देन वन होना चाहिए, जिसको दूसरे लैंग्वेज में इस तरह लिखवाया था कि आर जो है वन और माइनस वन के दरमियान होना चाहिए, तभी इन्फिनिट ज्योमेट्रिक का इन्फिनिट सीरीज का सम पॉसिबल होगा। तो इसी तरह यहाँ पे भी इन्फिनिट सीरीज का सम उसी वक्त पॉसिबल होगा जब आर इस रेंज के अंदर होगा, वन और माइनस वन के अंदर होगा। अब अगर आर इस रेंज के अंदर है तो आप किस तरह सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, एग्जैक्ट यही फॉर्मूला है, कोई नई चीज आपने याद नहीं करनी है, बस इस फॉर्मूले की शुरू की दो टर्म है वो याद करनी है, बस ये फॉर्मूला यूज करोगे आप उस वक्त जब आपको सम टू इन्फिनिटी वाले सवाल आएंगे। फॉर्मूला बड़ा इजी है, यह आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेगा। लंबा सॉल्यूशन बहुत लंबा होता है, डेढ़ पेज का सॉल्यूशन होता है, अगर ये फॉर्मूला यूज करोगे आधे पेज का सॉल्यूशन बन जाएगा, और ये अलाउड है, बुक में लिखा हुआ है, अपनी तरफ से मैंने लिखवाया है, तो ये फॉर्मूला काफी हेल्प करेगा। अच्छा, ये फॉर्मूला आया कहां से, सिंपल सी बात है, अगर आर वन और माइनस वन के अंदर होगा ना, सिंपल सी बात है, अगर आर की वैल्यू आपको ऐसी लो, फॉर एग्जाम्पल 0.5 लो, आप 0.5 की जितनी पावर आप इनफाइनाइट करते जाओगे ना, बड़ी करते जाओगे, उतना आंसर आपका जीरो होता जाएगा। अगर करना है तो कैलकुलेटर से कर सकते हो, 0.5 का स्क्वायर मालूम करो, 0.5 की पावर 10 मालूम करो, देखना कितना छोटा हो जाएगा। तो जब आर आपका 1 और माइनस 1 के दरमियान हो ना, तो अगर आप उसकी पावर इनफाइनाइट कर दो, इनफिनिट ज्योमेट्रिक का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म जो है वो इनफाइनाइट है, मतलब जो एन है वो यहाँ पे इनफाइनाइट होगा, तो अगर एन आपका बहुत बड़ा होगा तो आर आपका जीरो के बराबर हो जाएगा, तो ये वाली टर्म जो है जीरो हो जाएगी, आर की पावर एन जो है ना जीरो हो जाएगी, तो ये वाली पूरी टर्म खत्म। इसी तरह यहाँ पे भी आर की पावर एन आ रहा है, ये भी टर्म जीरो हो जाएगी अगर आपका एन इन्फिनिटी के पास अप्रोच कर रहा होगा, तो दैट्स व्हाई दोनों टर्म खत्म हो जाएंगी, सम टू इन्फिनिटी में शुरू की दो टर्म आ जाएंगी। तो एक नॉर्मल फॉर्मूला भी बता दिया और सम टू इन्फिनिटी वाला भी बता दिया। कोई सवाल है यहाँ तक पूछ लो, ये होल स्क्वायर है। अच्छा जी, अब आज 5.2 एग्जाम्पल आप उनके खुद ही सॉल्व हो जाएंगे, अगर आप 5.2 कर लोगे तो एग्जाम्पल्स का आपको इशू भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऐसे सवाल है जिसमें आपको एन टर्म नहीं दी हुई, बल्कि आपको बताया गया 20 टर्म 25 टर्म 30 टर्म, तो इसलिए हम कोई क्वेश्चन करते हैं। सेम टाइप के क्वेश्चन कौन सा है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है और जो क्वेश्चन नंबर 3 है उन पर डायरेक्ट फॉर्मुला अप्लाई हो सकता है, आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है एक्स्ट्रा, जबकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है उस पर डायरेक्ट फॉर्मुला अप्लाई नहीं हो सकता। मैं पहले क्वेश्चन नंबर 2, 3 करवा देता हूँ, डायरेक्ट आप लोगों को फायदा नजर आ जाएगा कि फॉर्मुला कितना काम की चीज है। फॉर एग्जाम्पल 2 और 3 में मुश्किल तो कोई भी नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं फिर भी। अच्छा जी, अगर आप इसमें देखो ना, तो आपने सबसे पहले देखना है इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले कि क्या ये स्टैंडर्ड एजीपी की फॉर्म में है या नहीं। स्टैंडर्ड एजीपी क्या होती है भाई, कि जो ज्योमेट्रिक सीरीज है उसमें उसका स्टार्ट फर्स्ट टर्म 1 होनी चाहिए, और जो अरिथमेटिक है उसका कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। ये जो चीज है ना, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, किस तरीके से गौर से देखना, 1 × 1 + 3 × 1/2 + 5 × 1/2² जो भी है, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 × 1/2³ ( 225 ) अगर आप इसको गौर से देखो, मैंने कोई चेंजिंग नहीं की, एज इज उसको ऐसे ही लिखा है बस, लेकिन अगर आप देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है। कैसे, अगर आप ज्योमेट्रिक को फॉलो करो तो ज्योमेट्रिक की पहली टर्म क्या 1, फिर इस कॉमन रेशियो यहाँ पे 1/2 का चल रहा है, आपने इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, इसको 1/2 से किया ये आ गया, तो ये बिल्कुल वही जीपी है जो हम चाह रहे थे कि जिसकी फर्स्ट टर्म 1 हो और कॉमन रेशियो उसका कुछ भी हो सकता है, आर 1 और माइनस 1 के दरमियान कुछ भी हो जाएगा, अगर इनफाइनाइट तक नहीं लेके जा रहे, नॉर्मल केसेस में तो आर कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी। तो अगेन देखो, फर्स्ट टर्म 1 से स्टार्ट हो रही है, बाकी अगर आप देखो जीपी वो चल रही है, इसी तरह तो मैं लिख सकता हूँ उसके अलग से कि यहाँ पे जो जीपी है ना वो क्या है, 1 है, 1/2 है, 1/2² है, 1/2³ है, इस तरह चलता जा रहा है, ठीक है। और जो यहाँ पे एपी है, एपी भी आप देख सकते हो, एपी 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, चलता जा रहा है, ये भी एक एपी मौजूद है।
तो अगर आप चाहो इसको ऐड ना करो, बस आप अपने अंदाज अपने मतलब कॉन्सेप्ट के लिए सोच सकते हो कि यार यहाँ पे जीपी और एपी ये वाली है, और अगर आप इनको गौर से देखो तो ये जो एजीपी बना रहे हैं ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है। बस ये आप असल में देखना चाह रहे हो कि क्या आपकी जो एजीपी है क्या वो स्टैंडर्ड, देखो एजीपी तो है ये तो कंफर्म है क्योंकि एपी जीपी को मल्टीप्लाई किया हुआ है, एजीपी तो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जीपी देखो फर्स्ट टर्म से स्टार्ट हो रही है और एपी किसी भी टर्म से स्टार्ट हो सकती है, तो आप ये कह सकते हो कि ये जो एजीपी है ना एजीपी इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है। और जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है तो आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मुला अप्लाई कर दोगे। अब फॉर्मुला किस तरह याद करना बड़ा आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। फॉर्मुला किस तरह लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे ए अपॉन वन माइनस आर, अगर आपको याद हो तो ये एग्जैक्ट वही फॉर्मुला था जो आपने ज्योमेट्रिक इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मुला पढ़ा था, तो उसको तो कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर आपने पता क्या करना, आपने करना है डी आर अपॉन वन माइनस आर, कोई मुश्किल नहीं याद करना है, बड़ा इजी है, कोई मसला नहीं। अच्छा उसके बाद आपने क्या करना है डी आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर, इसके ऊपर भी होल स्क्वायर लगा दोगे, इसके ऊपर भी होल स्क्वायर लगा दो, यहाँ पे डी आर है यहाँ पे डी आर की पावर एन है, डिनोमिनेटर तो सेम है इनके, कोई भी मतलब मुश्किल नहीं कर लोगे आसान से। आखिरी टर्म जो है ना उसमें क्या करना है एपी और जीपी के जनरल टर्म को मल्टीप्लाई करना है सिंपल लैंग्वेज में, जैसे ए प्लस एन माइनस वन डी को मल्टीप्लाई कर दो आर की पावर एन से, नॉर्मली आर की पावर एन माइनस वन होती थी जीपी की जनरल टर्म, लेकिन आर की पावर आप एन करो डिवाइडेड बाय वन माइनस। तो अगर आप ये फॉर्मुला यूज करना चाहो तो ये बड़ा आसान तरीका, डायरेक्ट आप इसमें वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। अब ये आपके ऊपर, अगर दूसरी टेक्निक करनी है वो आप मेजोरिटी सवालों में कर रहे होंगे क्योंकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं होगी, क्वेश्चन नंबर वन में भी हम वो कर रहे होंगे, तो देख लेना क्या करते हैं, फॉर्मूला काफी आसान लगेगा। अब जा रहे हैं वैल्यूज पुट कर दो, अगर आप इसमें देखो जीपी जो है ना जीपी में जो फर्स्ट टर्म है वो वन के बराबर है, अच्छा इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम नॉर्मली ए जो है वो एपी का लेते हैं ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में जीपी की फर्स्ट टर्म तो वन ही होती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। यहाँ पे जो ए आपको नजर आ रहा है ये वो ए है जो एपी की फर्स्ट टर्म है, आपने एपी की फर्स्ट टर्म हमेशा देखनी है, जीपी की फर्स्ट टर्म तो वन ही होगी ना, वरना ये फॉर्मुला यूज ही नहीं कर सकते आप। तो यहाँ पे आपको जीपी के अंदर बस कॉमन रेशियो बताना चाहिए, कॉमन रेशियो यहाँ पे क्या है वन अपॉन टू है, और एपी में आप दो चीजें मालूम करोगे, एक तो फर्स्ट टर्म वन है और कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस टू का है। इसी तरीके से नंबर ऑफ टर्म कितनी है, अगर आप इस सवाल में देखो नंबर ऑफ टर्म जो है वो 25 टर्म है, दैट्स इट, वैल्यूज पुट कर दो, ए यहाँ पे है वन वन माइनस वन अपॉन टू, डी और आर को मल्टीप्लाई करना है, टू और वन अपॉन टू को मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल वन आ जाएगा, वन माइनस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर, फिर आपने डी को मल्टीप्लाई करना है उसकी आर की पावर एन से, मतलब टू को मल्टीप्लाई कर दो, टू को मल्टीप्लाई करना है वन अपॉन टू की पावर 25 से डिवाइडेड बाय अगेन, अच्छा जी उसके बाद ए प्लस एन माइनस वन डी, ये जनरल टर्म होती है एपी की, कोई मुश्किल नहीं है, चाहो तो आप जनरल टर्म डायरेक्ट भी निकाल सकते हो इसकी इस फॉर्मुले में, जो एपी आपने निकाला है इसमें जनरल टर्म यहाँ भी निकाल सकते हो, वो डायरेक्ट पुट कर देना यहाँ पे, या अलग अलग भी कर सकते हो आप, यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दो, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे वन है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है टू के बराबर है, और एन यहाँ पे क्या है 25 के बराबर है, डिवाइडेड बाय वन माइनस वन अपॉन टू, एंड पे क्या है आर की पावर एन, मतलब वन अपॉन टू की पावर 25, ये वैल्यूज पुट करनी है। चाहो तो आप फिर हर फ्रैक्शन को कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हो, हर फ्रैक्शन को ना सिंपलीफाई कर लो फिर डायरेक्ट आंसर लिख देना ज्यादा बेहतर है, लेकिन बिलीव कि करो ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको दूसरा वाला करते ना उसमें सब्ट्रैक्ट करके ज्योमेट्रिक बनाने में सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगता है आपका, ये बहुत छोटा काम है अगर आप डायरेक्ट फॉर्मुला यूज कर लो। अब सिंपलीफाई करना है, वन माइनस वन अपॉइंट टू सिंपल वन अपॉइंट टू होता है, तो वन को जब आप डिवाइड करोगे वन अपॉइंट टू से, चलो मैं लिख नहीं रहा, मैं डायरेक्ट इस तरह लिख देता हूँ, वन डिवाइडेड बाय वन अपॉइंट टू, टेक्स्ट रख में कर लेंगे, इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है वन माइनस वन अपॉन टू अगेन वन अपॉन टू के बराबर होता है, और आपने क्या करना है स्क्वायर करना है उसका, तो वन अपॉन टू का स्क्वायर क्या होता है वन अपॉन फोर, फिर इसमें क्या होगा देखो ये है टू की पावर 25, जब वन की पावर 25 तो खैर वन ही होगा ना, 25 जो है वो टू की पावर के ऊपर आएगी ना, तो ऊपर है टू और नीचे है टू की पावर 25, टू को जब आप कैंसिल करोगे टू की पावर 25 से तो टू की पावर 24 रह जाएगी, तो ऊपर आपके पास होगा 1 अपॉन 2 की पावर 24, नीचे क्या है नीचे अगेन जो यहाँ पे था वो यहाँ पे है, क्या है 1 अपॉन 4, अच्छा जी उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है, नीचे अगेन इसके 1 अपॉन 2 होगा, ऊपर क्या होगा भाई देखो 25 माइनस 1 क्या होता है 24, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करो 48, 48 प्लस 1 49, तो ये होगा 49, डिनोमिनेटर है 1 अपॉन 2 और अगेन जो आर है आपका वो क्या है यहाँ पे 1 अपॉन 2 की पावर 25 को किस तरह भी लिख सकते हो 1/2 की पावर 20 और इसके डिनोमिनेटर में क्या 1/2,
अब आपने आखिरी स्टेप में इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करना है। इससे फायदा है कि मैथ भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, वरना कैलकुलेटर का सहारा आपको काफी लेना पड़ेगा। फिर टू जाके वन से मल्टीप्लाई होगा टू हो जाएगा, ये फोर मल्टीप्लाई होगा फोर हो जाएगा। अच्छा अब इसमें क्या करोगे, जो फोर है ना इसको आप इस तरह लिख सकते हो टू का स्क्वायर, तो टू के स्क्वायर को कैंसिल कर दो, ऊपर जो है ऊपर टू की पावर 24 है, जब आप टू कैंसिल करोगे तो 22 पावर हो जाएगी। तो सिंपल आंसर होगा 1/2 की पावर 22। थोड़ी सी मैथ अच्छी कर लो अपनी, समझ आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बचा 49, ये जो 2 है ना बच्चों ये ऊपर जाएगा और वो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 2 को अगर 2 की पावर 25 से कैंसिल करोगे तो 2 की पावर 24 हो जाएगी। इसके बाद आपने जाना अपने कैलकुलेटर में और फाइनल एक आंसर लिख देना है, सम का वो आंसर आ गया। फ्रैक्शन में भी आ सकता है, पॉइंट में भी आ सकता है, लेकिन फ्रैक्शन में शायद आएगा 2 की पावर 22 प्लस 49/2 की पावर 24। तो आंसर आपको यहां पे मिल रहा है 6। अगर राउंड ऑफ भी करोगे तो 6 आंसर मिल रहा है, इसका मतलब 6 एक्सेप्ट योर 6.50 है, वे राउंड ऑफ करो तो 6 ही होगा सिंपल। तो यहाँ पे सम जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 के बराबर आ जाएगा। तो ये जो अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज जो है इसको जब आप ऐड करोगे 25 टर्म्स तक तो आपके पास सम क्या आएगा, 6 के बराबर आएगा। तो ये वो मेथड है बच्चों, अगर आप फॉर्मुला यूज करोगे तो कैलकुलेशन आपकी एटलीस्ट आपके 5-4 स्टेप लाजमी बचेंगे अगर आप मैनुअली इसको करोगे। मैनुअली किस तरह करना है वो नेक्स्ट सवालों में होगा ये, तो उसमें भी आप देखूंगा। इसी तरह ये फॉर्मुला अगर इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट होता यही कॉन्सेप्ट आपको दिया जाता और बोला जाता है इनफाइनाइट टर्म तक ऐड करो तो आप ये वाला फॉर्मुला यूज करते हैं, वैल्यू सेम ही रहती, ए आर डी सब चीजें सेम ही रहती। अगर सवाल में बोलते हैं कि इनफाइनाइट टर्म तक ऐड करो तो अभी वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो कैलकुलेशन काफी आसान हो जाती है आपके। ऐसे सवाल है मैं इसके बाद वही करवाऊंगा ना जिनमें फॉर्मूला आप अप्लाई कर रहे हो वो हम एक साथ कर लेंगे, फिर जो बाकी टेक्निक के सवाल है वो हम बाद में कर लेंगे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखो तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने यही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप गौर से देखो 1 + 2 × 5 + 3 × 5² + 4 × 5³, तो इसमें खास बात क्या है, इसमें खास बात यह है कि जो जीपी गिवन है वो क्या है 1 × 5 × 5² × 5³, तो ये बिल्कुल इसी फॉर्म में मौजूद है। इसी तरीके से एपी क्या है, एपी है 1, 2, 3, 4, ये तो बहुत ही बच्चों वाली एपी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर मौजूद है, उसमें आपकी फर्स्ट टर्म 1 है एपी की, कॉमन रेशो यहाँ पे 5 है और कॉमन डिफरेंस जो है वो भी यहाँ पे 1 है और नंबर ऑफ टर्म जो है वो 30 के बराबर है। तो इसी मेथड पे आपने सवाल करना है, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, इस तरीके से आपके पास आंसर आता है। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर जो हो गए क्वेश्चन लिख लेते हैं हम उनको, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 तो हमारे हो गए। अब ऐसा कौन सा सवाल है जो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है, क्वेश्चन नंबर 4 भी नजर आ रहा है बिल्कुल, 1/8/5 + AP के अंदर भी है, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 भी है, और क्वेश्चन नंबर 4 करवाने की वजह ये भी है कि इसमें आपके पास नंबर ऑफ टर्म नहीं गिवन बस एन गिवन है, तो इसलिए भी करवाना जरूरी है इसको। तो आपने जाना कहां तक है, इसको एन टर्म्स तक जाना है आपने यहां यार। उसके बाद आप सबसे पहले क्या करोगे, सॉल्यूशन करो अगेन, आपने इसको 2 में कन्वर्ट करना है, 2 क्या है जरा देख लो उसमें, आप इसमें यहां पे एस्पेक्ट कर लो 1 × 1 लिख लो, इसी तरीके से 8 × 1/5 × 15 × 1/5² × 22 × 5³ और n टर्म्स तक आपने यहां पे जाना। अगर आप देखो तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है, कैसे पता चला, सिंपल मेथड है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे एपी निकालो तो एपी क्या है यहाँ पे 1, 8, 15, 22, तो एक एपी है, कॉमन डिफरेंस जो है वो यहाँ पे 7 का है, 1 का 7 ऐड करो 8 आएगा, 8 का 7 ऐड करो 15, 15 के अंदर ऐड करो 22, तो एक एपी है बेसिकली जिसकी फर्स्ट टर्म 1 के बराबर है और कॉमन डिफरेंस 7 के बराबर है। इसी तरीके से जीपी भी मौजूद है, जीपी क्या है 1/5 × 1/5 × 1/5² × 1/5³, ये जीपी मौजूद है। इस जीपी के अंदर आपको बस इतना मेक श्योर करना है कि इसकी फर्स्ट टर्म 1 होनी चाहिए, फर्स्ट टर्म बिल्कुल 1 है, दैट्स इट। कॉमन रेशियो इसमें यहां पे क्या 1/5, ये अगर आपको पता है आप आसानी से यूज कर सकते हो। आपको पता है कि ये जो है ए जी पी इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। दोबारा हम फॉर्मूला लिखते हैं और याद करने की आप लोग कोशिश करना, सबसे बेसिक सा पहला टर्म क्या है a/1 - r, तो बेसिक से टर्म है, दूसरी क्या है प्लस
डी आर अपॉन वन माइनस आर का स्क्वायर, जो तीसरी है और चौथी है उसमें माइनस आता है, और सेम यही न्यूमरेटर है, बस आर की पावर एन लगा देना और नीचे डिनोमिनेटर तो सेम वही रहेगा। उसके बाद आखिरी टर्म में क्या होगा, ऊपर अरिथमेटिक के जनरल टर्म का फॉर्मूला होगा, ए प्लस एन माइनस वन डी, मल्टीप्लाई करोगे आर की पावर एन से डिवाइडेड बाय वन माइनस। तो इतना मुश्किल नहीं है, आसानी से आप याद कर सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई कर देना। यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है, वन के बराबर, कॉमन रेशियो क्या है, वन अपॉन फाइव, कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे सेवन, मल्टीप्लाई करना है आपने वन अपॉन फाइव मतलब कॉमन रेशियो से, डिनोमिनेटर में अगेन वही वन माइनस वन अपॉन फाइव प्लस वन। यहां से आपके सवाल में एन आना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि एन आपके सवाल में पता नहीं। तो डी यहाँ पे क्या है, अगेन सेवन, और आर क्या है, वन अपॉन फाइव की पावर एन हो जाएगा, डिनोमिनेटर अभी भी सेम। अच्छा जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन डी, ए यहाँ पे वन है, डी यहाँ पे सेवन है, तो सेवन को एन से मल्टीप्लाई करो सेवन एन, सेवन को माइनस वन से करो माइनस सेवन, आर की जगह लिख सकते हो वन अपॉन फाइव की पावर एन और वन माइनस वन अपॉन फाइव, सारी वैल्यूज आपने पुट कर दी। अब वक्त आएगा कि आप इसको सिंप्लीफाई करो, शुरू की टर्म को सिंप्लीफाई कर सकते हो, वन माइनस वन अपॉन फाइव क्या होता है, फोर अपॉन फाइव, तो आप इसको लिख सकते हो वन अपॉन फोर अपॉन फाइव। इसी तरह सेवन को मल्टीप्लाई करो वन अपॉन फाइव से, तो सिंपल हो जाएगा सेवन अपॉन फाइव, और डिनोमिनेटर में जो फोर अपॉन फाइव है जब स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, सिक्सटीन अपॉन ट्वेंटी फाइव। अब इसको सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, एन आ गया ना, तो बस आप इसको इतना लिख सकते हो सेवन अपॉन फाइव की पावर एन, और डिनोमिनेटर तो एग्जैक्ट वही है सिक्सटीन अपॉन ट्वेंटी फाइव। आखिरी टर्म बची है ये वाली, अंदर जरा हम सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं जितनी हो सकती है, माइनस सेवन और वन क्या होता है माइनस सिक्स, तो ऊपर होगा सेवन एन माइनस सिक्स, डिविजन में क्या होगा, अगेन वन माइनस वन अपॉन फाइव क्या होता है फोर अपॉन फाइव, कोई नई बात नहीं है, और यहां पे आप क्या लिखोगे वन अपॉन फाइव की पावर एन, जिसको आप लिख सकते हो इस तरीके वन अपॉन फाइव की पावर एन। अब देख लो जितना सिंपली पावर, शुरू की दो टर्म को तो आसानी से ऐड कर सकते हो, तो कोई मसला नहीं है, ये हो जाएगा फाइव अपॉन फोर। अच्छा इनको जरा सिंप्लीफाई करो, फाइव वन जरा फाइव, फाइव फाइव जरा ट्वेंटी फाइव, ऊपर है सेवन नीचे सिक्सटीन अपॉन फाइव, ये फाइव सेवन से मल्टीप्लाई होकर क्या कर देगा थर्टी फाइव। शुरू की दो टर्म तो खैर आपके लिए इजी है, आप आसानी से सिंप्लीफाई कर लोगे। अब इनका क्या करोगे आप, ये जो फाइव ट्वेंटी फाइव है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो फाइव का स्क्वायर। अब जरा इस सिचुएशन को समझना, ऊपर लिखा हुआ है सेवन की पावर फाइव अपॉन एन, और आप डिवाइड कर रहे हो किससे, सिक्सटीन अपॉन फाइव के स्क्वायर से। बच्चों वाली क्लासेस में आपने पढ़ा था कि भाई जब आप डिवाइड का साइन हटाते हो और मल्टीप्लाई का लगाते हो तो रेसिप्रोकल हो जाता है, फाइव का स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन हो जाएगा। अब क्या करोगे, इस फाइव के स्क्वायर को नीचे ले जाओ, पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो फाइव की पावर एन मौजूद है, जब ये नीचे आएगा तो एन माइनस टू हो जाएगा, और ये सेवन अपॉन सिक्सटीन अपनी जगह पे, ये सिचुएशन बनेगी एन माइनस टू। चाहो तो आप सिक्सटीन को मल्टीप्लाई भी कर दो, एक साथ भी लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो, मैंने सेवन अपॉन सिक्सटीन को अलग कर दिया, और जब टू नीचे आके नेगेटिव होगी ना पावर, तो फाइव की पावर एन माइनस टू, ये आगे। अब आपकी टर्म वाली बची है, इसमें क्या कर सकते हो, देखो नीचे है फोर अपॉन फाइव, इसको आपने सिंपल लैंग्वेज में ये फाइव ऊपर चला जाएगा, ये फोर अपॉन फाइव मतलब फाइव अपॉन फोर हो जाएगा, अगेन वही कॉन्सेप्ट है, फाइव को जब नीचे लेके आओगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। तो इसमें किस तरह आप लिखोगे, सेवन एन माइनस सिक्स डिवाइडेड बाय नीचे फोर आएगा और फाइव की पावर एन माइनस, ये बच्चों फॉर्मूला है, रिक्वायर्ड आंसर आपका ही होगा। अच्छा इस शुरू के दो को सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये जो पूरी चीज है ना, इस पर जब आप सॉल्व कर रहे हो तो सिंपल है ना, ये तो क्या आ रहा है फिफ्टी फाइव अपॉन सिक्सटीन आ रहा है। अच्छा बाय द वे पेपर में यहां तक छोड़ोगे कोई मसला नहीं है, आसानी से आपका आंसर पूरे नंबर मिलेंगे। आगे मैं करवा रहा हूँ कि जो बुक ने सॉल्यूशन किया है कॉमन लेने वाला, वो शायद कभी बच्चों को फंस जाता है कि कॉमन किस तरह लिया है, तो इसलिए वो बता रहा हूँ कि उन्होंने देखो हर टर्म में फाइव कॉमन लिया है, इस तरीके से फाइव और अपॉन फोर ये कॉमन लिया है, तो पीछे बचेगा क्या, जब इससे फाइव कॉमन लोगे इलेवन बचेगा, सिक्सटीन से फोर कॉमन लोगे फोर बचेगा, कोई बड़ी बात नहीं, इधर सिक्सटीन से फोर कॉमन लोगे तो फोर बचेगा, एक तो ये, दूसरा ये कि नीचे लिखा हुआ फाइव की पावर एन माइनस टू, जब आपने अगर गौर करो आपने इसमें से फाइव की पावर माइनस वन कॉमन लिया है, जो ऊपर जाके फाइव हो गया ना, आप इस तरह समझ सकते हो, तो कहने का मतलब जब आप इसमें कॉमन लोगे तो आंसर आएगा फाइव की पावर एन माइनस वन, सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया था, अगर आप मल्टीप्लाई ना भी करते तब आप ये वहीं पे चीज देख लेते, आप इसको इस तरह समझो कि जब इस फाइव को मैं जब दोबारा से डिवाइड करूं
मतलब ये 5 दोबारा जब नीचे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगी, दोबारा 5 की पावर n माइनस 2 आ जाएगा। तो आप इस तरह कॉमन ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे हमने इस मौके पे मल्टीप्लाई किया था ना, कहीं यहाँ पे कोई ट्रम आ रही थी, ये स्क्वायर की थी, ये उसको कर रहे थे इस तरह। तो एक 5 अगर आप वहीं पे बचा लेते कॉमन लेने के लिए, तो आपको ये चीज फिर वहां नहीं लेनी पड़ती, दोबारा नहीं लेनी पड़ती, कोई इशू नहीं है। इसी तरह यहाँ से भी जब आप 4 कॉमन ले लोगे तो बाहर आ गया, ऊपर क्या बचेगा 7n-6 और नीचे क्या बचेगा 5 की पावर n। अगेन वही बात, जब आपने 5 कॉमन लिया, आप जब दोबारा 5 को डिवाइड करोगे, मतलब 5 को जब नीचे लेके आओगे, तो दोबारा 5 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। तो बुक ने इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई किया। तो अगर इस तरह कर दो और अच्छी बात है, अगर पहले कर दो कोई मसला नहीं, वहां तक भी आपका सवाल बिल्कुल ठीक माना जाएगा। अच्छा, इसमें जो दूसरा तरीका भी हो सकता था, उस वाले तरीके में आपको यहाँ पे एनएफ स्टॉन भी लिखनी पड़ती है इसकी, और फिर भी करते हैं तो सही है। दूसरा वाला तरीका किस तरह करना है वो कुछ सवालों में हम करेंगे, तो आप लोग देख सकते हो, उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। या सिंपल आप वो जो मैंने डेरिवेशन करवाई है, उस डेरिवेशन में जो मैंने कॉन्सेप्ट यूज किया है कि वो जो सब्ट्रैक्ट वाला काम किया था, आर से मल्टीप्लाई कर सब्ट्रैक्ट किया था, तो वही काम करना, उसके बाद एड करना, दरमियान में जीपी बन रही होगी उसको सिंप्लीफाई करना, और फिर यही काम करना, एंड पे आंसर आ जाएगा। उस तरह भी आप कर सकते हैं। दोनों मेथड है सवालों में, आपकी मर्जी, जो आपको बेहतर लगे। मुझे बेहतर लगता है फॉर्मुला यूज कर लो, तो इस तरह बस कैलकुलेशन का काम रह जाता है। फॉर्मुला अगर आप यूज कर लो तो और कुछ नहीं करना आपको, बस कैलकुलेशन करनी है, जबकि बाकी चीजों में आपको कैलकुलेशन भी करनी होगी, सिंप्लीफाई भी करना होगा, और सब्ट्रैक्शन वाला काम भी करना होगा शुरू में। तो फॉर्मुला आपके फिलहाल आसान कर देता है। तो हमने 3 क्वेश्चन तो कवर कर लिए, 1 को फिलहाल छोड़ दो। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है ना, फाइंड द सम टू इनफिनिटी वाला, अब उसमें देखते हैं कि कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है जिसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर लें। 5 नहीं है, 5 में जीपी तो स्टैंडर्ड फॉर्म में एपी नहीं बन रही, 1, 4, 9, 16 ये एपी नहीं होती, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं। तो 5 को मैं बताऊंगा किस तरह सॉल्व करना है। 6 भी नहीं सॉल्व हो सकता, 7 हो सकता है, अच्छा जी, और 8 भी हो सकता है, और 10 भी हो सकता है, और 9 नहीं हो सकता। तो कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, 7, 8, 10। तो मेरे ख्याल में मैं एक ही करवा देता हूँ इसमें से। फॉर एग्जाम्पल 7 और 10 तो आपको दिखने में सेम लग रहा है, उसमें तो कुछ करने ही है, 7 और 10 तो दोनों सेम किस्म के हैं। तो चलो पहले 7 कर लेते हैं, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। 7 में लिखा है 1+4b+7b² + 10b³ ... इन्फिनिटी तक जाना है, तभी उन्होंने आगे से ये कंडीशन दे दिया आपको, क्योंकि उनको पता है कि यार बी यहाँ पे कॉमन रेशो है, वो लेस देन, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, वरना इस इनफिनिट का सम ही नहीं आएगा। तो ध्यान से रखना, ये इनफिनिट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे एन टर्म्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तो फॉर्मुला वहां पे छोटा वाला जो है ना वो यूज करोगे, मतलब बड़े फॉर्मुले की शुरू की 2 टर्म यूज करोगे आप, तो और इजी हो गया लाइफ आपकी। सबसे पहले दिखा तो दो कि क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, देख लेते हैं। 1 को आप लिख सकते हो 1 × 1, 4b को लिख सकते हो 4 × b, 7b² को लिख सकते हो 7 × b², फिर 10 × b³, ये चीज चलती जा रही है इनफाइनाइट। तो अगर आप देखो यहाँ पे एपी जीपी दोनों बिल्कुल अच्छी लग रही है, आपको कोई मसला नहीं है। एपी यहाँ पे क्या है, 1, 4, 7, 10 बिल्कुल एक एपी है, जिसकी फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 3 है। इसी तरीके से अगर जीपी की बात करें तो जीपी यहाँ पे क्या है, 1b² b³, अगेन एक जीपी है बिल्कुल, और इस जीपी की फर्स्ट टर्म भी 1 है जो हम चाह रहे थे। कॉमन रेशो यहाँ पे क्या, कॉमन रेशो यहाँ पे b के बराबर है। तो बिल्कुल भाई ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये AGP की, देख सकते हो AGP इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देयरफॉर हम सम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सम टू इनफिनिटी का, दैट्स व्हाई मैं यहां पे S इनफिनिटी लगा रहा हूं। अच्छा, जो बाकी फॉर्मूले ना उसमें S और N लिख देना, तो नीचे इसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं, हाँ नीचे ना N लिख देना यहाँ पे, क्योंकि N टर्म्स तक आप कर रहे होते हैं, यहाँ पे इनफाइनाइट तक कर रहे हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। वही जो फॉर्मूला आपने यूज किया था, अब वो आपकी लाइफ आसान होगी, आप शुरू की 2 टर्म आप बस लिखोगे, इससे आसान क्या हो सकता है। इस वाले सवाल को भी टीचर वो सब्ट्रैक्शन वाली टेक्निक से करवा रहे हो, तो मैं कहता हूं इतना आसान सवाल है, क्यों क्वारी कटवा रहे हो इसमें। डायरेक्ट आप इसमें सॉल्व कर सकते हो, कैसे, फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, एबी की फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 है, कॉमन रेशियो यहाँ पे क्या है, बी के बराबर, डिफरेंस है यहाँ पे 3, 3b, 1 - r यहाँ पे क्या है, बी का होल स्क्वायर, ये सिचुएशन है। मजीद अगर आप यहाँ पे कॉमन लेना चाह रहे हो, उसको सिंप्लीफाई करना चाह रहे हो, तो वो एक ही हल यहाँ पे हो सकता है, वो क्या है कि आप एलसीएम ले लो, एलसीएम यहाँ पे क्या आएगा, 1 - b² बी का होल स्क्वायर, तो ये 1 - b टाइम जाएगा, मतलब उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो एड्रेस जाएगा, तो +3। और मजीद आप ये कर सकते हो कि 1 - b + 3b हो जाएगा 2b, नीचे आया 1 - b, दैट्स इट, ये आपका फाइनल आंसर है। इतना आसान मेथड है, बुक का मेथड है, फॉर्मूला है, तो बेहतर आप इस तरह करो, आपकी कैलकुलेशन काफी बचेगी।
अगले सवाल आएंगे तो शॉर्ट के अंदर आएंगे। चैप्टर 5 का आई गेस 5.3 का सवाल मॉडल पेपर में भी उन्होंने दिया है, तो 5.2 के सवाल भी आ सकते हैं शॉर्ट के अंदर। कुछ सवाल है 5.2 के जो लॉन्ग के अंदर आ सकते हैं, लेकिन पता नहीं दे उसको ना दें, क्योंकि मॉडल पेपर में 5 का तो कोई सवाल दिया हुआ नहीं था। 5 की मुझे नहीं लगता इतनी औकात होगी कि वो लॉन्ग में देंगे उसको, लेकिन 5.2 के एक दो सवाल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5 जो कि दे सकते हैं, बड़ा क्वेश्चन। तो 7 मैंने आप लोगों को करवा दिया, 10 बच्चों इसी तरह हो जाएगा, इसमें बी था उसमें ए था, बस हल्का फुल्का एपी पे फर्क है, वहां पे एपी है 1, 5, 9, 13, कॉमन डिफरेंस 4 के बराबर है, जीपी तो एग्जैक्ट सेम। 8 है 1 + 4/4 + 7/4² + 10/4 ये। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो आपने भाई देखना है क्या स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है, नहीं बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है। 4/4 को किस तरह लिख सकते हो, 4 × 1/4, इसको आप लिख सकते हो 7 × 1/4², इसको लिख सकते हो 10 × 1/4³। एग्जैक्ट वही स्टेप आप लोगों ने करने बच्चों, एपी मेंशन करनी है आपने पूरी, एपी यहाँ पे क्या है 1, 4, 7, 10, जिसमें फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, ये मेंशन कर देना पूरा एपी जिस तरह मैं आप लोगों को करवाता हूँ। इसी तरह जीपी भी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है, फर्स्ट टर्म 1 है उसकी, 1 है 1/4, 1/4² 1/4³, तो ये पूरी चल रही है इनफाइनाइट तक, तो जीपी है इसमें कॉमन रेशियो क्या है 1/4 के बराबर है। तो चीजें पहले मेंशन कर देना, फिर बता देना कि स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है। अब रही बात कि आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, सम टू इंफिनिटी का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, a/(1-r) + dr/(1-r) का होगा इसमें। तो फर्स्ट टर्म है बच्चों यहाँ पे 1, कॉमन रेशियो है यहाँ पे 1/4, कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे 3, कॉमन रेशियो है 1/4, अगेन वही चीज। शॉर्ट में अगर आएगा तो ये सवाल आएगा, क्योंकि वैल्यूज वाला है, प्रेफर किया जाता है कि जो वैल्यूज वाले सवाल आ रहे होते हैं। माइनस करो ये क्या हो जाएगा, नीचे 3/4 हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, ऊपर 3/4, नीचे 3/4 होगा, स्क्वायर करोगे तो 9/16 हो जाएगा, ये 4 ऊपर जाया जाएगा 4/3 कर देगा, कैंसिल करो 3 × 9 = 4, 4 = 16, ऊपर तो 1 ही हो गया, नीचे 3/4 है, अगेन ऊपर जाएगा तो 4/3, 4/3 को दो दफा ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2 × 4/3 और फाइनल हो जाएगा 8/3। फॉर्मूला यूज करके आपने सारी चीज सम मालूम कर लिया, सम आ रहा है यहाँ पे 8/3। 5.2 में आपने वो क्वेश्चंस कर लिए थे सॉल्व जो आप फॉर्मूले से कर सकते थे। फॉर्मूला कौन सा आपने पढ़ा था दोबारा बता देता हूँ, कल आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था एजीपी का। एजीपी क्या होती थी कि अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक को अगर मल्टीप्लाई करो उनके टर्म्स को, तो जो रिजल्ट में सीक्वेंस आती है या सीरीज जो भी है उसको आप एजीपी कहते हो, अरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, या आप सीरीज भी बोल सकते हो उसको अगर आप ऐड कर रहे होगे। तो हमने इसका एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला आपको इसका सम मालूम करने में हेल्प करता था, लेकिन उसमें शर्त क्या थी कि जो ज्योमेट्रिक है ना वो उसकी फर्स्ट टर्म मान होनी चाहिए, अगर उस फॉर्म में मौजूद है तो इसका मतलब आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला था a/(1-r) + dr/(1-r² + dr^(m)/(1-r)² सॉरी यहाँ पे माइनस था, फिर यहाँ पे माइनस आएगा और आपने एज इट इज एपी की जनरल टर्म लिखनी है, उसको मल्टीप्लाई करना है r^(n) से डिनोमिनेटर में 1-r। तो ये फॉर्मूला था जो कि याद करना ऐसे मुश्किल नहीं है। एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा था सम टू इंफिनिटी वाला, उसमें है कि शुरू की दो टर्म आप लिखोगे बाकी जो टर्म है वो नहीं लिख रहे हो। तो ये दो फॉर्मूले जो हमने कल की क्लास में जो क्वेश्चन इससे सॉल्व हो रहे थे, हमने इन क्वेश्चन इन फॉर्मूलों से सॉल्व कर लिए थे। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट इन फॉर्मूले से नहीं हो सकते, क्योंकि वो एजीपी के फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर मौजूद नहीं होंगे, वो जब आप लोग देखोगे तो आप लोग का आइडिया हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 है 5.2 का, लेट कर लेते हैं पूरी सीरीज का जो सम है वो एस के बराबर है, सीरीज का गिवन है 1 × 2 + 2 × 2² + 3 × 2³, और इस तरह चलता जा रहा है अप टू 50 टर्म्स। अब अगर आप इसको देखो तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, उसकी वजह ये है कि अगर आप यहाँ पे एपी देखो, एपी तो वैसे भी मसला क्रिएट नहीं करती, लेकिन एपी यहाँ पे क्या है 1, 2, 3, 4, 5 एपी तो मौजूद है, उसमें तो कोई मसला नहीं है। मसला यहाँ पे जीपी के अंदर, अगर आप देखो जीपी 1 से स्टार्ट नहीं हो रही, जीपी स्टार्ट हो रही है 2 से 2 × 2² + 2³, कॉमन रेशियो यहाँ पे 2 है, लेकिन जो स्टार्ट हो रही है वो 2 से नहीं हो रही आपकी, ये मसला क्रिएट कर देगी, आप इसमें फॉर्मूला यूज नहीं कर सकोगे। क्यों यूज नहीं कर सकोगे, ये ए आप क्या यहाँ पे पुट करोगे, ये ए होता था अरिथमेटिक का जो कि यहाँ पे 1 के बराबर है, लेकिन ज्योमेट्रिक के अंदर ए क्या होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था, फर्स्ट टर्म मैंने बताई थी 1 होनी चाहिए उसकी,
और एपी के अंदर जो भी फर्स्ट टर्म होगी वो आप यहाँ पे पुट कर दिया करते थे। जरूरी नहीं कि एपी में वन हो, एपी में कोई भी फर्स्ट टर्म हो सकती है, लेकिन जीपी की वन होनी चाहिए थी। लेकिन जीपी की यहाँ पे वन नहीं है, अगर आप फॉर्मुला यूज करोगे गलत कर बैठोगे। तो दैट्स व्हाई इस पे आप डायरेक्ट फॉर्मुला यूज नहीं कर सकते, आपको इस पे क्या टेक्निक लगानी पड़ेगी, वही एड सब्ट्रैक्ट की टेक्निक लगानी पड़ेगी जो आपने इस फॉर्मुला डिराइव करने के लिए की थी। और क्या टेक्निक थी जरा देख लो। सबसे पहले तो मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, और जो 50 टर्म है ना, वो जो 50वीं टर्म होगी वो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। कैसे जरा देख लो, 1 × 2, 2 × 2 का स्क्वायर, 3 × 2 का क्यूब। और इसमें जो आखिरी जो 50वीं टर्म होगी ना, वो क्या होगी लिखने का बड़ा आसान तरीका है। पहली टर्म में 1 आ रहा है, दूसरी टर्म में 2 आ रहा है, तीसरी टर्म में 3 आ रहा है, तो 50वीं टर्म में 50 आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पहली टर्म में 2 की पावर 1 है, दूसरी टर्म में 2 की पावर 2 है, तीसरी टर्म में 2 की पावर 3 है, तो 50वीं टर्म में 2 की पावर क्या होगी, 50 होगी। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, 50वीं टर्म आप आसानी से लिख सकते हो इसको। तो ये तो वही चीज है जो मैंने दोबारा लिखी है। अब इसमें आप मॉडिफिकेशन क्या करोगे, जैसे आपने इस फॉर्मुले को डिराइव करते हुए आपने क्या किया था, आपने इसको शिफ्ट करना है। बेसिकली शिफ्ट करने का मतलब आपको समझ आ जाएगा अभी, कि आप इस जो सीरीज है ना इसको कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई कर दो, जो जीपी का कॉमन रेशो है ना उससे मल्टीप्लाई कर दो। कॉमन रेशो जीपी का क्या है यहाँ पे, अगर आप देखो 2 है, आप 2 से मल्टीप्लाई करते हुए जा रहे हो, तो मैं क्या करूंगा इस सीरीज को 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो अब क्या होगा जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा, सॉरी इसको आप इस तरह लिखो कि 1 2 का स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो 2 का क्यूब। 2 से आपने मल्टीप्लाई करना है ना, तो जो ये टर्म आपको 2 वाली नजर आ रही है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 का क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 का 4। मतलब आपने 2 को है ना, वो वैसे तो एक ही टर्म है पूरी, आप 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करो, इस 2 से करो, बात तो एक ही है, एक ही टर्म है। लेकिन हम जिस फॉर्म में आसानी हमारे लिए है ना, वो ये है कि जो जीपी गिवन है ना, आप अगर 2 से मल्टीप्लाई करो तो जो जीपी वाला पार्ट है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो। आप एपी वाले पार्ट से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन कोई ऐसा मजा नहीं आएगा हमें, तो हम जीपी वाला जो पार्ट है ना ये जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये 2 था, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 स्क्वायर हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 2 क्यूब, इसके क्या 2 की पावर 4। करते जाने करते जाने आप 2, जब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 51। ये करने के बाद अब आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करते हो गए यहाँ पे, अब जरा और से समझना, ये मैंने जनरल फॉर्म में भी आप लोगों को सब्ट्रैक्ट करने का बताया था किस तरीके से आप करोगे। कि जो पहली टर्म है ना 1 × 2, एज्यूम करो इसके नीचे 0 लिखा हुआ है, तो जब 1 × 2 − 0 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 × 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, क्योंकि हम ये सब काम कर रहे हैं अपनी आसानी के लिए। तो आप इस काम को अगर दूसरे तरीके से करोगे फंस जाओगे। बेहतर क्या है, आप एज्यूम करो यहाँ पे 0 है, तो 1 × 2 एज्यूम कर लो नीचे 0 है, तो 1 × 2 को 0 से सब्ट्रैक्ट करोगे एज इट इज आएगा। उसके बाद 2 × 2 का स्क्वायर − 1 × 2 का स्क्वायर, ये सिचुएशन बन गई है। ऊपर लिखा हुआ है 2 × 2 का स्क्वायर, नीचे लिखा हुआ है 1 × 2 का स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करना है आपने। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, वैसे भी आप समझ सकते हो इसका आंसर होगा 1 × 2 का स्क्वायर। अगर ये समझने में मसला हो रहा है आपको, तो आप इस तरह भी समझ सकते हो कि 2 का स्क्वायर कॉमन ले लो, 2 − 1 1 के बराबर होता है, तो 1 × 2 का स्क्वायर। इसी तरीके से 3 × 2 का क्यूब − 2 × 2 का क्यूब, इन दोनों को माइनस करोगे अगेन 3 − 2 1 होता है, अब आ जाएगा 1 × 2 का क्यूब। इसी तरीके से आएगा 1 × 2 की पावर 4, और ये चीज चलती जाएगी। ये जो एंड की टर्म लिखी है ना 50 × 2 की पावर 50, ये जो 2 की पावर 50 यहाँ पे आपको नजर आ रही है, नीचे भी आपके 2 की पावर 50 नजर आएगी। जैसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर था, नीचे भी 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब नीचे भी 2 का क्यूब, सेम इसी तरह 2 की पावर 50 है, तो नीचे भी यहाँ पे 2 की पावर 50 आ रही होगी। और वो क्या टर्म होगी, वो बेसिकली यहाँ पे होगी 49 × 2 की पावर 50, ये वाली टर्म होगी। अगर आप इससे पहले आओगे तो क्या होगा, पावर 50 हो जाएगी, और 50 से पहले आओगे तो 49 हो जाएगा। तो जब इस वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करोगे इससे, अगेन आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 × 2 की पावर 50। इसे चल रहा है, और जो आखिरी वाली टर्म है ना, ये किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही है, ऐसे जगह पे आ गई। तो इसमें होता क्या है, इसमें पहली इस वाली सीरीज की पहली टर्म और इस वाली सीरीज की आखिरी टर्म, ये एज इट इज आ जाती है। इसको आपने समझ लो कि 0 से एड सब्ट्रैक्ट करवा रहे होते हो, इसमें कोई मसला नहीं होता, जबकि दरमियान में जो है ना उसमें सारी चेंजिंग हो रही होती है। ठीक है, ये करने के बाद अगर आप देखो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। दरमियान वाली जो है वो पूरी आपकी जीपी है, एक ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसको आपने ऐड करना। थोड़ी आसानी की फॉर्म में लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, s − 2s, अगर आप यहाँ पे s कॉमन लोगे या s में से 2s माइनस करोगे तो सिंपल माइनस s बच जाएगा यहाँ पे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे इतना होगा। 1 × 2 2 होता है। अच्छा, अब यहाँ पे 1 लिखो ना लिखो, बात ये कि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो आंसर तो एक ही आता है, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हो।
इनको आपने अलग क्रिएट करना है, और जो एंड वाली है उसको आप इस तरह लिख दो। अब आपने बेसिकली करना क्या है यहाँ पे, अच्छा ये माइनस को आप एंड पे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें एस की वैल्यू निकालनी होती है ना, तो एस की वैल्यू आ जाएगी। आपने इस सीरीज को ऐड करना है। अब इस सीरीज को कैसे ऐड करेंगे देख लो, अगर आप ऑब्जर्व करो ज्योमेट्रिक सीरीज है, ठीक है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो ज्योमेट्रिक सीरीज, जिसमें खास बात क्या है, जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है, जिसकी फर्स्ट टर्म है टू का स्क्वायर। सवाल है कि कॉमन रेशो क्या है, कॉमन रेशो यहाँ पे टू के बराबर है, आप टू से मल्टीप्लाई करते जा रहे हो, तो फर्स्ट टर्म है टू का स्क्वायर, कॉमन रेशो है टू। सवाल है कि नंबर ऑफ टर्म कितनी है, नंबर ऑफ टर्म बच्चों इसके अंदर 49 है। अभी मुझे 49 का कैसे पता चला, मुझे इस तरह पता चला, देखो अगर आपकी गिनती 1 से स्टार्ट हो और खत्म हो 50 के ऊपर, तो सिंपल सी बात है 50 टर्म होगी उसके अंदर, पहली दूसरी तीसरी अप टू 50 की, तो आप बोलोगे यहाँ पर टोटल कितनी टर्म है, 50 टर्म है। इसकी गिनती अगर आप पावर में देखो 2 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 4, 5 अप टू 50 जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, 49 होगी। अगर आप थोड़ा लॉजिकल समझो ना, इस वाली सीरीज के अंदर कितनी टर्म है, इस वाली सीरीज के अंदर 50 टर्म है, इस वाली सीरीज के अंदर कितनी टर्म है, 50 टर्म है। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करो, जब आप एड सब्ट्रैक्ट करते थे होता क्या था, इस वाली टर्म को आप एज इज कॉपी कर दिया करते थे, तो मतलब इस सीरीज में अगर इसको एज इज आपने कॉपी कर दिया, पीछे कितनी टर्म बचेंगी, पीछे 49 बचेंगी। इसी तरीके से आप इस वाली सीरीज में इस वाली टर्म को एज इज कॉपी कर दिया करते थे, किसी से एड सब्ट्रैक्ट नहीं करते थे, तो इसके अंदर 50 टर्म थी, लेकिन आपने एज इज एक लिख दी, तो कितनी बच गई, 49 बच गई। तो जो इसकी 49 है और जो इसकी 49 है उनको आपस में सब्ट्रैक्ट किया करते थे, तो ये जो दरमियान मेरी टर्म है सारी 49 है, और पहली और आखिरी मिला के टोटल अब इसके अंदर 51 टर्म्स हैं। तो इस तरह भी अगर आप समझो तो आप इस नतीजे पे पहुंचोगे कि दरमियान वाली कितनी टोटल टर्म्स है, 49 टर्म्स है। बार तो एन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, इस पे फॉर्मुला लगा देंगे ज्योमेट्रिक सीरीज का। अभी तो बस एक किस्म का डेटा आपने बना लिया यहाँ पे, ठीक है। अब जरा फॉर्मुला अप्लाई करो, फॉर्मुला अगर आपको याद हो तो फॉर्मुला ये था, ये ज्योमेट्रिक सीरीज को सम करने के लिए फॉर्मुला यूज किया करते थे। अप्लाई कर दो फॉर्मुला यहाँ पे, ए यहाँ पे क्या है, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1। आर यहाँ पे क्या है, 2 के बराबर है, बाकी चीजें एज इट इज अपनी जगह पे। अब देखो 2 माइनस 1 तो 1 के बराबर होता है, इसको तो इग्नोर कर दो। अब पीछे जो बचा उसको लिख लो, 2 की पावर स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 49 से, बेसिस सेम है, पावर ऐड होंगे तो 2 की पावर 51, 2 के स्क्वायर को माइनस 1 से करो तो माइनस 2 का स्क्वायर, और ये वाले टर्म जो है इसको एज इट देखें। अब वक्त आ गया थोड़ा सिंप्लीफिकेशन का, और फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन आपने यहाँ पे क्या करनी है, सबसे पहली बात 2 और माइनस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 होता है, तो 2 माइनस 4 माइनस 2 के बराबर। अच्छा ये लेफ्ट हैंड साइड में माइनस एस है, अच्छा 2 की पावर 51 माइनस 50 की पावर 251, ये हो जाएगा माइनस 49 मल्टीप्लाई 2 की पावर 51। कैसे, सिंपल कॉन्सेप्ट है, इस वाली टर्म और इस वाली टर्म से आप कॉमन ले लो 2 की पावर 51, यहां से क्या बचेगा 1, यहां से क्या बचेगा माइनस 50, तो 1 माइनस 50 क्या होता है माइनस 49, तो मैं लिख दिया वहां पर। और फाइनली आपको एस चाहिए था, तो माइनस से मल्टीप्लाई करवा दो, ये हो जाएगा 2 प्लस 49 मल्टीप्लाई 2 की पावर 51। इसमें से भी अगर आप चाहो तो 2 कॉमन ले सकते हो, अगर आप 2 कॉमन लोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 49 मल्टीप्लाई 2 की पावर 50 बचेगा। अच्छा बुक ने इसको कुछ और किया हुआ, एक सेकेंड, 98 को मल्टीप्लाई किया हुआ है 2 की पावर 50 से, अच्छा एक ही बात है, खैर उन्होंने थोड़ा ये किया हुआ है कि ये जो 51 आपको नजर आ रहा है ना, इसका 82 जो है, 82 निकाल कर उन्होंने 49 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये 98 2 की पावर 50 प्लस 2 इस तरह किया उन्होंने, खैर एक ही बात है। तो कह रहे हैं मतलब यहां तक भी छोड़ दो काफी है आपके लिए, यहां तक भी छोड़ दो काफी है, तो मर्जी आपकी, ऐसा मसला नहीं, अगर आप सम निकाल दो तब भी काफी, सम इसका बहुत बड़ा आ रहा है, तो या तो सम निकाल दो यहां तक छोड़ दो, एक ही बात है, सब एक्सेप्टेबल है। लेट कर लो एस बराबर है 1 प्लस 4 अपॉन 3 9 अपॉन 3 का स्क्वायर 16 अपॉन 3 का क्यूब 25 अपॉन 3 की पावर 4। और सवाल यह है सम टू इंफिनिटी, अब इंफिनिटी का कॉन्सेप्ट है, तो क्या हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, नहीं अप्लाई कर सकते। क्यों नहीं अप्लाई कर सकते, वजह यह है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है, इसमें तो जीपी चल रही है, जीपी है सॉरी जीपी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ही है यहाँ पे। अगर आप देखो जीपी तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, पहली टर्म 1 है, फिर 1 अपॉन 3, फिर 1 अपॉन 3 स्क्वायर, 1 अपॉन 3 क्यूब, जीपी तो सही है, लेकिन यहाँ पे एपी नहीं है, मतलब टेक्निकल तौर पे ये एजीपी नहीं है,
एजीपी क्या होती है कि अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक को मल्टीप्लाई करते हैं। ये अरिथमेटिक नहीं है, 1, 4, 9, 16, 25 अरिथमेटिक नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। इनके दरमियान डिफरेंस 5 क्या, इनके दरमियान 7 क्या, इनके दरमियान 9 क्या। तो कहने का मतलब ये एजीपी नहीं कराई जाएगी, एजीपी वो होती है जिसमें अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक को मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपने इसको कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि एजीपी में कन्वर्ट हो जाए, या एजीपी में नहीं भी कन्वर्ट हो आप इसको सॉल्व कर लो, सब निकाल लो बस, ये आपका मेन मकसद है यहाँ पे। तो मकसद कैसे पूरा होगा, मैंने पहले भी बताया था कि जब कोई हल नजर ना आए तो आप क्या करते हो, कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करते हो। तो ये है एस, दोबारा लिख लेते हैं इसको। इस एस को आप नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करोगे कॉमन रेशो से। कॉमन रेशो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1/3। आप हर ड्रम को 1/3 से मल्टीप्लाई करो ना जीपी के लिए, तो आप क्या करो इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करो। अब 1/3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो होगा क्या, ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 4/3 का स्क्वायर। जब इसको 1/3 से करोगे तो 3 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 9/3 का क्यूब, ये हो जाएगा 16/3 की पावर 4, 25/3 की पावर 5, इस तरह चलता जाएगा। ठीक है, ये करने के बाद अगेन वही सब्ट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट आपने लगाना है। अब सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करोगे, जैसे पहले बताया था वैसी सब्ट्रैक्शन होगी, कि ये तो हो जाएगा सिंपल एस माइनस 1/3 एस। अब यहां पे क्या होगा, इस चीज को गौर से समझना, यहां पे होगा कि ये जो 1 है, अगेन आपने इस 1 को किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं करना, एज्यूम करो यहाँ पे 0 आ रहा है, क्योंकि आपने इस चीज को शिफ्ट कर दिया ना आगे। देखो यहाँ पे 3 सेकंड टर्म में आ रहा था, तो आप यहाँ पे 3 जो फर्स्ट टर्म में आ रहा है, लेकिन आप इसको शिफ्ट कर दो, कैसे, ये 0 है ना, एज्यूम कर लो कि शुरू में 0 आ रहा है, मतलब ये इस तरह लिखा हुआ है, 0 + 1/3 लिखा हुआ है। तो 1 को माइनस करो 0 से तो वो तो 1 ही आएगा, उसको आपने छेड़ना नहीं है। रही बात 4/3 - 1/3, तो अगर 4/3 को 1/3 से माइनस करोगे तो 3/3 आएगा। इसी तरीके से 9/3 स्क्वायर को माइनस करोगे 4/3 स्क्वायर से, तो 9 - 4 = 5, तो ये हो जाएगा 5/3 स्क्वायर। 16/3 के क्यूब को माइनस करोगे 9/3 के क्यूब से, तो 16 - 9 = 7, ये हो जाएगा 7 3 का क्यूब। इसी तरीके से 25 - 16, ये हो जाएगा 9/3 की पावर 4। अरे जल्दी जा रही है बात, इसी तरह आप आगे लिख सकते हो। ये करने के बाद आपने ऑब्जर्व किया कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई एजीपी की। लेफ्ट हैंड साइड में तो सॉल्व कर लेंगे, 3 को एस से करो माइनस करो, ये हो जाएगा 2s/3, इसको तो कोई बड़ी बात नहीं है सॉल्व करना, असल मसला होता है इसका क्या करना। तो एक एजीपी बन गई है ये। अब यहाँ पे एजीपी के तरीके से आप सॉल्व कर दोगे। एजीपी का तरीका मैंने आपको क्या बताया था, कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर मौजूद है तो आप क्यों मेहनत कर रहे हो एक्स्ट्रा स्टेप्स के लिए, आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसमें देखो स्टैंडर्ड एजीपी कैसे पता चला, आप लिख सकते हो कि यहाँ पे जो जीपी है, इस स्टेप के बाद ही लिख दो, जो जीपी है वो यहाँ पे क्या है, 1/3 - 1/3 का स्क्वायर - 1/3 का क्यूब, आई चलती जा रही है। ये जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशो यहाँ पे 1/3 है। इसी तरीके से एपी यहाँ पे क्या है, एपी है यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9, ये एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2 के बराबर है। तो ये जो है ना, इसको आप बोलोगे एजीपी इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है, मतलब आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो इसके सम का। फॉर्मूला आपने दोबारा बच्चों मेंशन करना है, फॉर्मूला पूरा मेंशन करोगे, फॉर्मूला मेंशन करने के बाद आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, फॉर्मूला कैसे सॉल्व करोगे, अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, एक चीज ध्यान में रखना कि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करोगे, उसकी वजह ये कि इन्फिनिटी पे जा रही है। अगर आप इसका सवाल दे दो ना, सवाल में लिखा होता है कि इन्फिनिट है, तो इन्फिनिट में आप ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करोगे, आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। तो वंस आपने आइडेंटिफाई कर ली ये स्टैंडर्ड फॉर्म है एजीपी की, फिर आप देख रहे हो कि यार एन टर्म्स तक सम निकालना है या इन्फिनिटी तक निकालना है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको इन्फिनिटी तक ही निकालना है। तो आप ये वाला फॉर्मूला नहीं मेंशन करना, ये वाला फॉर्मूला मेंशन करना और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके सम निकालोगे। लेफ्ट हैंड साइड तो सिंप्लीफाई करो, क्या आएगी भाई 2s/3, इसको तो छेड़ना नहीं है आपने। तो राइट हैंड साइड है ये पूरी एजीपी है जो कि इनफाइनाइट है, तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन कर देना। फॉर्मूला क्या कहता है, a/1 - r, a यहाँ पे 1 है, 1 - r यहाँ पे 1/3 है, प्लस कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2 है, 2 को मल्टीप्लाई कर दो r से, अपॉन 1 - 1/3 का होल स्क्वायर, 3 × 1 = 3, 3 - 1 = 2/3, ये हो जाएगा 1/2/3, ये हो जाएगा 2/3/ ये 2/3 है, स्क्वायर करो 4/9, कैंसिल कर सकते हो 1 × 3 × तो सिंपल सी बात है, ये है 1/2/3, ये भी है 1/2/3, दोनों में क्या होगा कि ये हो जाएगा 3/2, ये भी हो जाएगा 3/2, और 3/2 को अगर आप दो दफा यहां पे ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 2
थ्री अपॉन टू, भाई देखो इसको सिंप्लीफाई करो, ये भी थ्री अपॉन टू है, ये भी थ्री अपॉन टू है, तो दो थ्री अपॉन टू है ना, तो दो थ्री अपॉन टू को ऐड करोगे तो टू थ्री अपॉन टू, इसको सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हो कि आंसर क्या आएगा, थ्री के बराबर आएगा। इतनी मुश्किल मैथ नहीं, आप लोग आसानी से कर लोगे। आपको निकालनी थी यहाँ पे एस की वैल्यू, सम की वैल्यू, तो सम किस तरह निकालोगे आप, यहाँ पे थ्री को मल्टीप्लाई करवा दो, टू को डिवाइड कर दो, ये बच्चों आपके पास सम आ जाएगा नाइन अपॉन टू। बिलीव करो तरीका बहुत आसान है, जो इसका मुश्किल वाला तरीका है ना, जो आप लोगों को नजर नहीं आ रहा मैं बता, बड़ा मुश्किल तरीका है वो, जो नॉर्मली गाइड में और टीचर्स करवा रहे होते हैं इस लेवल पे, कि वो इसके बाद भी इसको क्या कहते हैं लेट करते हैं अलग, फिर दोबारा ये मल्टीप्लाई वाली टेक्निक लगा के किसी तरह पता नहीं क्या एंड पे जीपी बना के सम वम कर रहे होते हैं। असल बात है कि जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया तो कोई मसला ही नहीं है, आप ये वाला फॉर्मुला अप्लाई कर सकते हो इनफाइनाइट के केस में, ये वाला फॉर्मुला अप्लाई कर सकते हो इलेक्ट्रॉन के केस में, और डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा नाइन अपॉन। ये सवाल लॉन्ग के अंदर भी आ सकता है, अगर चैप्टर 5 में कोई सवाल आया तो 5.2 में ऐसे सवाल हैं, बाकी एक्सरसाइज में तो ऐसे कोई सवाल नहीं है। 5.1 का कोई सवाल आ सकता है, मुश्किल वाला कोई सिग्मा वाला सवाल आ जाए जिसमें तीन चार ड्रमो एंड क्यूब एंड स्क्वायर, मतलब लॉन्ग में 5.2 ज्यादातर फेवरेट है। वैसे मॉडल पेपर में है नहीं 5 चैप्टर का, लेकिन अगर आया तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 की जहां तक बात है, क्वेश्चन नंबर 6 भी स्टैंडर्ड एजीपी नहीं है, तो आप इसका क्या निकालेंगे, इसका भी जरा देख लो, बहुत ईजी है। एस लेट कर लिया आपने, हो जाएगा 1 + 9a + 25a² + 49a³। अगेन ये इनफाइनाइट तक है, तभी उन्होंने आगे मेंशन कर दिया है कि क्योंकि यहाँ पे कॉमन रेशियो a के बराबर होगा ना, तो उन्होंने मेंशन कर दिया कि उसकी वैल्यू लेस देन 1 ही है, एब्सोल्यूट वैल्यू, बताने के लिए कि यार एक इन्फिनिट है, इसका मतलब इसका सम पॉसिबल है क्योंकि कॉमन रेशियो 1 से कम है। पर देखो हमने देखना होता है कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं है, क्यों, जीपी तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यहाँ पे देखो जीपी में 1 है, फिर a है, फिर a स्क्वायर है, फिर a क्यूब है, तो ये तो बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसका कोई मसला नहीं है। लेकिन सवाल है कि ap मौजूद ही नहीं है यहाँ पे, पहली टर्म 1, दूसरी 9, फिर 25, फिर 49, ये तो दुनिया में कोई ap नहीं मानी जाती ना, इनके दरमियान कॉमन डिफरेंस 8 है, इनके दरमियान आगे 16 है, इनके दरमियान 24 है, तो यहाँ पे ap गिवन नहीं, मतलब ये एजीपी नहीं। एजीपी तो उस वक्त होती ना कि जब आप ap को ज्योमेट्रिक से मल्टीप्लाई करते। अब सवाल है कि ऐड कैसे करना है, सम कैसे करना है, दूसरा हल आपको पता, अगर आप फॉर्मूले यूज नहीं कर सकते तो मल्टीप्लिकेशन वाली टेक्निक लगाओगे। मल्टीप्लाई वाली टेक्निक क्या है, सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, आप मल्टीप्लाई कर दो कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो यहाँ पे a के बराबर है, आप a से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो a से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 9a² + 25a³ और 49a⁴, ये सिचुएशन बन जाएगी। करने के बाद आपने क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट। अच्छा जी, एस माइनस ए एस, अगेन यहां पे अज्यूम करो 1 के नीचे 0 आ रहा है, 1 माइनस 0 क्या होता है 1 के बराबर, 9a माइनस a ये हो जाएगा 8a, 25a² माइनस 9a² ये हो जाएगा 16a², 49a³ माइनस 25a³ ये हो जाएगा 24a³, और इसी तरह पैटर्न चलता जा रहा है इनफाइनाइट तक। अब जरा देखो लेफ्ट हैंड साइड पे तो कोई मसला ही नहीं है भाई, यहाँ पे एस कॉमन लेंगे 1 माइनस ए हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ये क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे क्या मौजूद है, तो अगर आप देखो 1 और 8, अगर आप यहाँ पे एपी कंसिडर करना चाह रहे हो कि 1, 8, 16, 24, तो ये अभी भी एपी नहीं है क्योंकि इसमें डिफरेंस 7 का है, इसमें डिफरेंस जो है ऑलमोस्ट 8 का, इसमें डिफरेंस 8 का, कहने का मतलब मसला 1 कर रहा है। अगर आप इतना कंसिडर करो तो ये एपी है, कॉमन डिफरेंस 8 आ रहा है, लेकिन अगर आप 1 को कंसिडर करो तो अभी एपी नहीं रहेगी। तो यहाँ पे जो मसला करने वाली चीज है वो है 1, अगर आप 1 को किस तरह यहां से एलिमिनेट करवा दो ना और जस्ट इतना कंसीडर करो तो ये एपी मानी जाएगी। अभी हम काम कैसे करेंगे, एक बहुत ही बेसिक सा काम करो यहाँ पे और लाइफ आपकी आसान हो जाएगी। 1 को साइड पे कर दो, कंसिडर करो ये वाली चीज, लेकिन जब ये कंसिडर करो एक और मसला आएगा, यहाँ पे जो जीपी बनेगी वो जीपी ये बनेगी a² a³, जबकि हमने जीपी को 1 से स्टार्ट करना होता है। तो एक और काम करो, आप इन तीनों टर्म में से ना और जो इनफाइनाइट तक टर्म आ रही है आप a कॉमन ले लो, अब आपका मसला हो जाएगा। कैसे, जब a कॉमन ले लोगे ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 16a, ये हो जाएगा 24a², इसके बाद अगर आप लिखना चाह रहे हो तो लिख सकते हो आप, ये हो जाएगा 32a³। तो अब मसला आपका हल हो गया। मसला कैसे हल हुआ, जो ब्रैकेट के अंदर आपको नजर आ रही है ये इनफिनिट एजीपी है पूरी, क्यों, एजीपी सीरीज है। कैसे, अगर आप देखो इसमें एपी मौजूद है, एपी यहां पे क्या है 8, 16, 24, बिल्कुल एपी है, और जो यहाँ पे जीपी है वो क्या है 1a² फिर a³, तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म है जीपी की, जिसमें फर्स्ट टर्म 1 के बराबर है।
तो कहने का मतलब ये एक इन्फिनिट है जिसपे आप एक फॉर्मुला अप्लाई कर सकते हो। तो अब यहाँ पे आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, इस पे फॉर्मुला अप्लाई हो जाएगा, बाकी बस आप सिंप्लीफाई करोगे, यहां से एस की वैल्यू निकाल लोगे। देख लेते हैं, तो आप इस नेक्स्ट स्टेप में इसके बाद देखना कि इन्फिनिट ए जी सीरीज, मतलब अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको, नहीं अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, पी का मतलब प्रोग्रेशन होता है लेकिन सीरीज है ना यहाँ पे, तो इन्फिनिट है मतलब आपको डेटा क्या पता होना चाहिए, आपको ए पता होना चाहिए, ए होता है एपी की फर्स्ट टर्म, एपी यहाँ पे क्या थी 8, 16, 24, तो फर्स्ट टर्म क्या है 8 के बराबर। कॉमन रेशियो क्या होता है, जो जीपी का कॉमन रेशियो वो ए के बराबर है, आप ए से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। और रही बात डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस क्या है 8, 16, 24 का कॉमन डिफरेंस 8 के बराबर। तो आपने मेंशन कर दिया भाई इन्फिनिट अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज है, और ये जो चीजें आपको पता होनी चाहिए वो आपने मेंशन कर दी। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करो, चाहो तो इसका फॉर्मूला मेंशन कर सकते हो। फॉर्मूला क्या होगा, ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। अच्छा ये ए अलग है, ये अलग है, जरा ज़हन में रखना दोनों में फर्क है, इनको ए को ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर देना। ये ए जो है ये सवाल में गिवन है जो कि कॉमन रेशियो है, जबकि ये जो ए है ना ये फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है एपी के, तो फर्क है इन दोनों चीजों। तो फर्स्ट टर्म क्या है 8 के बराबर, कॉमन रेशियो क्या है ए के बराबर। अच्छा कॉमन डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर दो कॉमन रेशियो से, डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए का होल स्क्वायर, यहां पे है एस 1 माइनस ए। अब बस आपने इनको किसी तरह सिंप्लीफाई करना और अपना फाइनल आंसर लिखना है। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, सबसे पहले 1 माइनस ए को हम डिवाइड कर देते हैं राइट हैंड साइड पे आके, तो सबसे पहले 1 के नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस ए। अच्छा उसके बाद इस ए को मल्टीप्लाई कर दो 8 से, तो ये क्या हो जाएगा 8 ए, 1 माइनस ए ऑलरेडी मौजूद है, ये वाला इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस ए का होल स्क्वायर। इसी तरह ए को मल्टीप्लाई कर दो इससे, ये हो जाएगा 8 ए स्क्वायर, 1 माइनस ए इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ए का होल क्यूब। आप इसको आप यहां पे मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मजीद सिंप्लीफाई कैसे होगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप एलसीएम ले लो 1 माइनस ए का क्यूब, 1 माइनस ए कितने टाइम जाएगा, 1 माइनस ए को अगर मल्टीप्लाई करो 1 माइनस ए के स्क्वायर से तो ये चीज आती है, तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस ए का स्क्वायर, यहां पे होगा ऊपर सिंपल 1 माइनस ए, तो यहां पर आ जाएगा इस चीज आ गई। मजीद सिंप्लीफाई कर लो 1 माइनस 2a प्लस a स्क्वायर, ये हो जाएगा 8a माइनस 8a स्क्वायर प्लस 8a स्क्वायर, ये आप उसमें कैंसिल हो जाएंगे। अब जो पीछे बचा उसको लिख लो, सवाल खत्म। ए सबसे पहले ए स्क्वायर लिख लो, माइनस 2a प्लस 8a ये हो जाएगा 6a प्लस 1 अपनी जगह पे, डिवाइडेड बाय 1 माइनस a का होल क्यूब। बहुत ही आसान तरीका है, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। इस तरीके से ये जो सीरीज थी, जो यहाँ पे ना अरिथमेटिक है ना ज्योमेट्रिक है, ना अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक है, कोई भी सीरीज नहीं है जिसका फॉर्मूला आपको पता हो यहाँ पे, लेकिन हमने थोड़ा सा काम करके इसको मेथड ऑफ डिफरेंस कहते हैं। डिफरेंस के जरिए से आप क्या करते हो, सम मालूम करके और एंड पे आंसर निकाल लेते हो। देख लो कोई मसला है यहां तक तो पूछ लो। यही काम बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में भी करना है आप लोग, अब क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 में जो सीरीज गिवन है वो है 1 प्लस 5 अपॉन 3 प्लस 12 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 22 अपॉन 3 का क्यूब, इतना ही लिख लेते हैं काफी, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। तो अगर आप देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्योंकि एपी नहीं है यहाँ पे 1 5 12 22 ये एपी नहीं है, तो अगेन आप क्या करोगे, वो मल्टीप्लाई वाला काम करोगे। जीपी यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म है तो कॉमन रेशियो यहाँ पे 1 अपॉन 3 आ रहा है, तो जो मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 1 अपॉन 3, ये हो जाएगा 5 अपॉन 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 12 अपॉन 3 का क्यूब, ये हो जाएगा 22 अपॉन 3 की पावर 4। इस तरह 1 अपॉन 3 से आपने मल्टीप्लाई करवा दिया। सब्ट्रैक्ट कैसे कर पाओगे, 1 आपकी जगह पे है, फिर 5 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 ये हो जाएगा 4 अपॉन 3, 12 अपॉन 3 स्क्वायर 5 अपॉन 3 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करवाओगे हो जाएगा 7 अपॉन 3 स्क्वायर, 22 माइनस 12 ये हो जाएगा 10 अपॉन 3 का क्यूब। तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो अब ये एक इन्फिनिट अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई है। इन्फिनिट है क्योंकि सवाल लिखा ही था कि सम टू इन्फिनिटी निकालना है आपने, और स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर क्यों है, अगर आप यहाँ पे अरिथमेटिक देखो तो अरिथमेटिक क्या है 1, 4, 7, 10 ये का अरिथमेटिक है जिसमें कॉमन डिफरेंस 3 के बराबर आ रहा है, और यहाँ पे ज्योमेट्रिक भी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है 1, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3 स्क्वायर, 1 अपॉन 3। तो कहने का मतलब ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है, हल्का सा आपने सब्ट्रैक्ट किया, एक ही स्टेप में आपकी सिंप्लीफिकेशन हो गई है। आप जो लेफ्ट हैंड साइड पे तो देख लेना क्या कैलकुलेशन हो रही है,
राइट हैंड साइड पे एस जितना आप ये फॉर्मुला अप्लाई कर दोगे, जो आंसर आ रहा होगा वो आपका ठीक आंसर होगा। जो एस का कोएफिशिएंट होगा राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे उसको डिवाइड करवा देना जो भी करना है, और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इन्हीं मेथड के इन्हीं अंदाज में आपने करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा।